हे गाइस आर यू रेडी? अपन ने क्या क्या देखा कल, फटाफट फटाफट मुझे बताओगे जल्दी 5 मिनट में? कल अपन ने क्या क्या देखा वो मुझे एक बार रिवाइज करा के दोगे सब लोग? अपन ने क्या क्या देखा कल बताइए मुझे प्लीज। अरे बोलो फटाफट से लिखो क्या क्या देखा हमने। वेलकम, जो भी नए हैं आज इस सेशन में वेलकम सबका। आज कौन नया है? आज सिर्फ एक ही है नए। ठीक है गाइस। अरे बोलो ना फटाफट क्या देखा था कल के सेशन में। शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू, प्रीमियम, शेयर सर्टिफिकेट, ओके और क्या देखा? शेयर फेस वैल्यू, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, वेरी वेरी गुड। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट भी देखा, ठीक है और क्या देखा अपन ने? चलो फटाफट बोलो मुझे यार। चलो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट भी देख लिया अपन ने कल, शेयर क्या है वो भी देख लिया। उसके बाद में देखा कि ये स्टॉक मार्केट का रीजन क्या होता है सर, ये क्या एग्जैक्टली क्या करके काम करता है, सही है? आईपीओ एफपीओ का एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लिया था हमने, थोड़ा थोड़ा देख लिया था, सही है? अपन ने पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली आईपीओ कब होता है। तो मैं मुझे फटाफट से मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी मुझे आंसर चाहिए। पहली चीज, अगर कोई कंपनी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है शेयर होल्डर के साथ या ऐसे बंदे के साथ जिसको शेयर्स लेने हैं कंपनी के, तो उसको क्या बोलेंगे, आईपीओ बोलेंगे या एफपीओ बोलेंगे? अगर कंपनी डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी के साथ जिसको शेयर्स लेने हैं उसको आईपीओ बोलेंगे या एफपीओ बोलेंगे? आईपीओ बोलेंगे बोल रहे, ठीक है बढ़िया, वेरी वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर दिया एकदम सही। अभी मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे आज मैं मार्केट में गया, मेरे शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट में मेरे ब्रोकर के पास और बोला कि सर मुझे रिलायंस के 25 शेयर्स लेने हैं। अभी वो कंपनी कुछ इश्यू नहीं कर रहा, रिलायंस तो अपना बिजनेस कर रहा है मुंबई में, दिल्ली में, जब जब जहां जहां लोकेशन है वहां पे बैठ के, इसको मैं आईपीओ बोलूंगा एफपीओ बोलूंगा क्या बोलूंगा? सेकेंडरी मार्केट बोले, वेरी वेरी गुड, ये होगा मेरा सेकेंडरी मार्केट, एब्सोल्युटली राइट। इसको आईपीओ बोलूंगा एफपीओ बोलूंगा या सेकेंडरी मार्केट बोलूंगा? आईपीओ बोलूंगा, एफपीओ बोलूंगा या सेकेंडरी मार्केट बोलूंगा? अरे प्लीज 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 अच्छे से आंसर दो, सिर्फ दो ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी है सेकेंडरी मार्केट का। एफपीओ आता है क्या भैया? एफपीओ में कंपनी इन्वॉल्व होगा, तो एफपीओ मेरा प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी है? एफपीओ भी प्राइमरी मार्केट है, समझ रहे हो? एफपीओ भी प्राइमरी मार्केट है जहां पे कंपनी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन ले रहा है। हम तो डिसाइड ही नहीं कर रहे आईपीओ एफपीओ के बीच में, हम तो डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई बाहर के वाले सब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी से ले चुका है, समझे? तो ये सिर्फ सेकेंडरी मार्केट रहेगा, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, ठीक है एकदम बढ़िया से। चलो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक नंबर एकदम बढ़िया सा चीज कि आईपीओ आपको कहां पे देखने मिलता है, ठीक है? चलो विल स्टार्ट विद दैट कि आईपीओ आपको कहां पे देखने मिलेगा। देखो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, उसके पहले सबसे पहली एक चीज समझ लो, जब जब मैं बात करूं ये सब शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस, तो इसको रेगुलेट करने के लिए देखो सिंपल सी चीज होती है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे इकोनॉमी में वो सभी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अपना इंडिया है, इंडिया बोलो या पूरा वर्ल्ड में भैया लोग दूसरों की गलतियां निकालने में के लिए बैठे हुए होते हैं, सही है? और दूसरों ने जो झोल किया हुआ है या जहां पर कुछ लूप होल दिख गया, थोड़ा कमी दिख गई, तो उसका फायदा उठा के खुद का कैसे फायदा करा के लेना, ये सबको आता है एंड ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए कोई ना कोई अथॉरिटी है कि जो उस ट्रांजेक्शन को, उस चीज को रेगुलेट करना चाहता है लीगली, कि भैया तुमने कुछ उल्टा सीधा किया जो लॉजिकली सही नहीं लगता है या जो लीगली अलाउड नहीं है, तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसीलिए शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट, मैंने एक नया नाम बोला, मुझे बताओ आपको पता है सिक्योरिटीज में एंड शेयर में डिफरेंस क्या है? सिक्योरिटीज में एंड शेयर में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है क्या? यस और नो, बस मुझे, मैं तो बताने वाला हूं सो टेंशन मत लो। सिक्योरिटी शेयर दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग है? नो मतलब क्या बोलना चाहते हो, किसी में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस नहीं है, नहीं पता आपको, ठीक है? चलो सिक्योरिटी इज नथिंग बट भैया शेयर इज वन ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मार्केट मतलब क्या बोलना चाहता है, सिक्योरिटीज मतलब क्या होते हैं, जब भी मैं कुछ भी इश्यू कर रहा हूं भैया मुझे पैसा चाहिए, पैसे लेने के लिए मुझे पब्लिक से सिर्फ शेयर्स नहीं रहते, मैं कंपनी हूं, ठीक है, मुझे कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो मैंने खुद का पैसा डाला, मैंने कल जो बोला था एग्जाम्पल में, उसके बाद मैंने रिलेटिव से लिया पैसा और फिर मैंने बाहर वालों से पूछा, सही है?
बैंक से लोन नहीं ले रहा मैं बिकॉज बैंक मुझे लोन ही नहीं दे रहा, मान लो इसी बात, ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन है बाहर वाले लोग जो है सबसे पैसा लो। अभी एक ऑप्शन रहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड मैंने ऑप्शन बोला था कल आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ऐसे लोगों से पैसा ले रहा हूं जो लोग मेरे से कुछ नहीं चाहते बेचारे, वो लोगों को बस रिस्क लेना है, सबसे ज्यादा रिस्क लेना है, सही है। वो लोग बोलते हैं कि भाई तुमसे हम सिर्फ हिस्सेदारी चाहते हैं, प्रॉफिट्स में शेयर चाहते हैं, कब, लॉन्ग टर्म में, वो भी तुम्हारी जब मर्जी होगी तब देना। उसके बाद में कुछ जो अकड़ू लोग थे उन लोगों ने बोला कि भाई चलेगा, तुमको जब चाहेगे तब हमें देना, बट हमें सिर्फ प्रेफरेंस देना है इक्विटी के ऊपर एंड हमें पैसे का ना परसेंटेज फिक्स करके दे दो। तो उसको बोले कि हम प्रेफरेंस योर कैपिटल, सही है। अभी वेरी सिक्योरिटीज यू गेट डिविडेंड, ऐसा कुछ नहीं है विजयराज जी, ठीक है। अनिमेश ने एकदम सही बोला है, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर कैपिटल, ठीक है, एक मिनट में बताऊंगा। अभी सुनो, तो मैंने पहले बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल से मैं पैसा लाया, अदरवाइज मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लाया। अभी ये दोनों छोड़ के भी कुछ लोग उससे भी अकड़ू है, कुछ लोग उससे भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उससे भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बट वो क्या बोलते हैं कि बैंक आपको लोन नहीं देता, हम आपको लोन दे, सिंपल सी बात है, समझे। लोन देने वाले दो लोग हैं, एक है बैंक दे सकता है लोन जिनको अलाउड है आरबीआई ने किया हुआ, सही है कि आप लोग लोन दे सकते हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है बट वो फिर भी लोन दे सकते हैं किसी और को, समझे। अभी ये दो लोग मुझे लोन नहीं दे रहे, तो मुझे जो नॉर्मल पब्लिक है ना वो बोल रहा है मैं तुम्हें लोन देता हूं, मैं तुम्हें लोन देता हूं, और तुम जैसे बैंक से लोन लेते तो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे ही मुझे भी इंटरेस्ट पे करो। तो मैं बोला भाई तू शेयर्स लेना, वो बोले शेयर्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे ऐसे मैंडेटरी पेमेंट चाहिए, हर महीने मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हर महीने मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न में आना चाहिए, हर साल में मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो तुम पैसा पे करोगे, मन में आओगे तब करोगे, नहीं चलेगा। तुम्हारा प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जो पैसा दूंगा वो लोन के तौर पे दूंगा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, सही है। तो मुझे इंटरेस्ट जो आप बैंक के साथ जैसा ट्रांजेक्शन होता है, बैंक में इंटरेस्ट पे करोगे आप लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे करोगे, एग्जैक्टली सेम ट्रांजेक्शन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके विथ नॉर्मल पब्लिक। और ऐसे लोगों से जब मैं लोन के तरफ पे लोन के जैसा पैसा लेता हूं और उनको 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 मैं कुछ एज अ प्रूफ करके दूंगा, जैसे शेयर्स में हम शेयर सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको इक्विटी शेयर्स बोला, प्रेफरेंस शेयर्स बोला, वैसे ही इन लोगों से मैं जब लोन के तरफ पे लूंगा, लोन के जैसा पैसा लूंगा, उनको मैं बोलूंगा आइदर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, समझे, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। वेरी वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड, समझा, सब लोगों को समझा क्या, बोलो ना प्लीज। डिबेंचर्स बोलूंगा नहीं तो बॉन्ड्स बोलूंगा, परफेक्ट है सर। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब डिबेंचर बोलेंगे कब बॉन्ड बोलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप बोले कि कब डिबेंचर बोलेंगे कभी मैं बॉन्ड बोलूंगा, देख लो एकदम सिंपल डिफरेंस है, यूजुअली इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं रहता, फिर नाम क्यों अलग दिया, मैं बोलता हूं रीजन आपको। डिबेंचर का मतलब होता है और बॉन्ड में, दोनों में ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिर्फ जब मैं किसी से पैसा लिया और वो लोग मेरे पे भरोसा नहीं रखते, अगर मैंने उनको इंटरेस्ट पे नहीं किया और उनसे जो पैसा लिया है वो उनको रिटर्न में दिया नहीं, तो वो बोलेंगे तुम्हारे एसेट्स हम बेच डालेंगे, तो तुम एसेट्स पे सिक्योरिटी लगाओ, क्या बोले, एसेट्स पे सिक्योर्ड करा के दो हमें। अभी आप बैंक में लोन लेके जाओगे, होम लोन लोगे, सिंपल सी बात है, देखो आपको होम लोन लेना है, बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि भाई मुझे घर लेना है मुझे लोन दो, बैंक बोलेगा ठीक है कितने का घर है, तो पहली चीज वो बोलेगा, आपने बोला लेट से 60 लाख का घर है सर, तो वो बोलेगा मैं तो तुझे पूरा लोन देंगे नहीं, पहली तो चीज 80-85% तक ही लोन देता है, 10-15% का बैंक बोलता है कि तुम लोग खुद के जेब से डालो, सही है। सेकेंड चीज बैंक बोलता है कि जो घर तेरा रहेगा वो हमारे यहाँ गिरवी रखेंगे हम, और जब तू लोन पूरा पे ऑफ कर देगा उसके बाद उसको रिलीज करेंगे। ऐसा जब आप जिस एसेट के लिए, एसेट मतलब जिस संपत्ति के लिए आपने लोन लिया, वो संपत्ति आप उनको लोन पूरा रिपे करने तक उनके नाम पे गिरवी रख रहे हो, उनको बोलते हैं सिक्योर्ड एसेट्स। क्या बोला, समझा आपको, सिक्योर्ड एसेट्स। अरे समझा क्या, बोलो ना प्लीज फटाफट से, चैट बॉक्स आज इतना खाली नहीं रहना चाहिए, इसे दब 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 बढ़ना चाहिए, फटाफट से बोलो सिक्योर्ड एसेट्स, सही है। अभी ये सिक्योरिटी दिया मैंने बैंक को मेरे घर का, जो घर मेरा अभी तक नहीं हुआ भाई,
लोन ले रहा हूँ ना, लोन लिया है तो जब तक लोन पूरा नहीं हो जाता खत्म, मैं रिपे नहीं कर देता तब तक घर मेरा नहीं होएगा, वो सिक्योरिटी करके रहेगा बैंक की तरफ। सेम चीज लोग कामोन लोगों ने बोला, बोले तू बैंक से लोन लेता तो उसको सिक्योरिटी देता, फिर मुझको क्यों नहीं देता, मेरे से लोन ले रहा है, मेरे से पैसा ले रहा है तो मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए। तो इसे दो टाइप के लोग थे, एक बोला कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, एक बोला मुझे सिक्योरिटी चाहिए। जिसने बोला मुझे सिक्योरिटी चाहिए उसको मैंने नाम दिया कि भाई तू बॉन्ड होल्डर है, जो बोला मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए उसको मैंने बोला तू डिबेंचर होल्डर है। एकदम परफेक्ट, अरे समझा गया, अरे बोलो ना। मतलब दोनों में एकदम मेजर डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो एक ही डिफरेंस है मेजर, सिक्योरिटी का। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, सिक्योरिटी। जब लोगों ने पैसा दिया उनको मैं कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहा, मेरे बिजनेस के एसेट्स, सिर्फ पैसा लिया, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगा डिबेंचर्स। और जब मैं सिक्योरिटी दूंगा उन लोगों को कि भाई अगर मैं तुमको तुम्हारे पैसा रिटर्न नहीं करता हूं, मैं तुमको इंटरेस्ट नहीं देता हूं, तो एक पीरियड के बाद ये मेरे एसेट्स को मैं बेच के तुम्हें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, मैंडेटरी है मेरे लिए, लीगली मुझे करना ही पड़ेगा, उसको मैं बोलूंगा बॉन्ड। ठीक है, अभी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एक हुआ इक्विटी शेयर, एक हुआ प्रेफरेंस शेयर, एक हुआ डिबेंचर, एक हुआ बॉन्ड, ये सबको मिला के, ये सबको मिला के बोलते हैं सिक्योरिटीज। मतलब सिक्योरिटीज इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलू ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो शेयर्स है, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है। समझ गए एकदम अच्छे से, अरे बोलो ना, समझे क्या? तो अभी इन सिक्योरिटीज मार्केट में ये जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, इन ट्रांजेक्शन को लीगली किसी ने तो देखना चाहिए, भाई कुछ गलत हो रहा है क्या। एंड इसीलिए एक बॉडी का गठन हुआ था, जिस बॉडी को ना कल्पेश बोल रहे, नॉट एबल टू सी, कल्पेश फिर से रिज्वाइन कीजिए, कल्पेश जी फिर से रिज्वाइन कीजिए प्लीज, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, बिकॉज बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, सब लोग देख पा रहे हैं मुझे, सही है ना, तो प्लीज रिज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था ऐसी एक बॉडी है जिसने इन सभी सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन जो भी मार्केट में होंगे उसको बोलेंगे भैया कि सेबी। क्या बोला? सेबी, वेरी वेरी गुड, अनिमेश ने आंसर दिया मुझे। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोले? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम से ही समझ लो सिक्योरिटीज, अभी बताए सिक्योरिटीज क्या होता है, एक्सचेंज, एक दूसरे के तरफ आना जाना, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का एक ऐसा बोर्ड कि जो सिक्योरिटीज के एक्सचेंज के जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे उनको रेगुलेट करेगा, उनके लिए लॉज एंड रेगुलेशन बनाएगा, उसको बोलेंगे सेबी। परफेक्ट, क्लियर विद दिस? सब लोग एकदम बढ़िया से क्लियर विद दिस? कल्पेश जी आप रिजॉइन हो गए तो मुझे फटाफट से बताना। ठीक है, ठीक है, चलो चलो गाइस, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आई होप। चलो तो अभी सेबी में पहले आपको बता देता हूं, फिर हम जाएंगे सेबी के वेबसाइट पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। एक मिनट के लिए पहले सेबी समझ लो। ठीक है, देख लो, सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, रेगुलेटर टू ओवरसी एनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, एंड एक्टिविटीज मेड बाई एनी ऑफ द पार्टीज देयर ऑफ। अभी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन में जितने भी पार्टीज होते हैं, जैसे कि अब तुम्हारे हमारे जैसे क्या इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, मुझे आज आपको डिफरेंस बताना है इन्वेस्टर एंड ट्रेडर में क्या होता है, मुझे किसी को पता रहेगा तो डिफरेंस बताओगे क्या चार्ट बॉक्स में, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर में डिफरेंस क्या है, कब मैं इन्वेस्टर बोलूंगा कब मैं ट्रेडर बोलूंगा प्लीज बताओगे मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर? नहीं पता, मैं बस थोड़ी देर के लिए वेट करूंगा, ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मुझे बोलोगे प्लीज इन्वेस्टर एंड ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? अरे बोलो ना, बोलते ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा मुझे, आज क्या हो गया सबको, चैट बॉक्स इतना सुना सुना लग रहा है मुझे, कल तो इतना मजा आ रहा था, नो आइडिया। ठीक है, कोई इशू नहीं, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर में बस एक ही डिफरेंस है, जब मैं बोलू मैं जो शेयर परचेस कर रहा, मैं जो मार्केट में शेयर्स परचेस कर रहा, वो शेयर्स अगर मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करूं, मतलब 12 महीने के ऊपर, यूजुअली 12 महीने के ऊपर अगर मैं रखने की इच्छा रखता हूं तो उसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट।
क्या बोला, इन्वेस्टमेंट, और मैं बन जाऊंगा इन्वेस्टर, ठीक है, मैं बन जाऊंगा इन्वेस्टर यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए। कभी कभी इसको ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि 12 ही महीना एग्जैक्टली होना चाहिए। तो सर जिसने 11 महीना 29 दिन में शेयर सेल कर दिया वो ट्रेडर बना? नहीं यार, एक थंब रूल नहीं है, एक जस्ट अराउंड नंबर बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो रख रहा है। अभी किसी ने 6, 8 महीने, 10 महीने रखा तो भी वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, बट वो रहेगा शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, समझे? कल मैं आपको डिफरेंस बोला था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या है, सही है? हाँ, तो अभी जब मैं बोलू मेरा, मुझे जो शेयर्स लेना है वो मेरी इच्छा है भाई, रिलायंस का शेयर्स लूंगा या टाटा का शेयर्स लूंगा, टीसीएस लूंगा, टाटा मोटर्स लूंगा, जो भी लूंगा भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है कि आज लिया और लगे तुरंत सेल करना है प्रॉफिट कमा के। नहीं यार, मेरा कोई इच्छा नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म रखना है, मुझे थोड़ा अच्छा देखना है, प्रॉफिट कमाना है, मुझे लॉस भी होगा बीच में तो भी मैं बेचूंगा नहीं, मैं थोड़ा एक वेट करूंगा एंड फिर देखूंगा। तो इसको बोले इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, तब मैं माना जाऊंगा इन्वेस्टर। जब मैं कोई शेयर्स लिया, अभी देखो मान लो मुझे आज पता लग गया कि आइडिया के कुछ रिजल्ट्स आ रहे, और मान लो उनका जो ड्यूज है एजीआर ड्यूज, किसी को पता है एजीआर ड्यूज करके एक कॉन्सेप्ट होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबको पता रहेगा, न्यूज तो काफी पढ़ा रहेगा ना आप लोगों ने। अरे शेयर मार्केट के बंदो बोलो मुझे, न्यूज तो पढ़ा है? हाँ, एजीआर ड्यूज, इतने हजारों करोड़ का एजीआर ड्यूज का न्यूज आ गया तो मुझे बोलो आइडिया का शेयर गिरने वाला है, आपको भी पता है दूसरे दिन मार्केट में अगर गिरने वाला है कुछ तो बैड न्यूज आ गया कंपनी के बारे में तो शेयर गिरेगा। बट ऑपोजिट टाइम अगर अच्छी न्यूज आ गई कंपनी की तो कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा मार्केट में। अभी कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, टेंशन मत लो, ये भी मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है, बट अभी के लिए अगर सर अच्छी न्यूज आती है तो मुझे पता है आज शाम को 6-7 बजे अच्छी न्यूज है। अभी शेयर मार्केट वर्क करता है अपने इंडिया में 9:15 सुबह 9:15 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक, ठीक है। 3:30 बजे के बाद जो भी इम्पैक्ट होगा वो सब दूसरे दिन दिखेगा तुमको। 3:30 बजे के बाद जो भी कंपनी की जो भी चीजें होगी या कंपनी का जो भी न्यूज आएगा उसका सबका इम्पैक्ट आपको दूसरे दिन दिखेगा। तो 9:15 बजे से लेके आपको होता है 3:30 बजे तक, समझे? क्लियर विद दिस? अभी मुझे बोलो जब आज शाम को 6 बजे न्यूज आया कि भाई बहुत भयानक और एकदम बढ़िया सा न्यूज है कंपनी का, मान लो एकदम बढ़िया सा न्यूज है, तो मुझे पता है यार कल कंपनी का शेयर का भाव बढ़ने वाला है। अभी मैंने क्या किया, मुझे पता है कि कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा, एक 2-3 दिन बढ़ेगा और फिर से नीचे गिर जाएगा, सही है? तो अभी 2-3 दिन बढ़ेगा तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा या मैं सिर्फ कल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो मेरा कोई पर्पज नहीं है कि मुझे लॉन्ग टर्म में वो उस पर इन्वेस्ट करके रखना है। नहीं, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए, एकदम छोटे समय के लिए मुझे वो पैसा इन्वेस्ट करना है। छोटे समय के लिए जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब मैं एक ही दिन में उसको बाय करता हूं सेल करता हूं, बाय करता हूं सेल करता हूं, या 1-2 दिन में एकदम बाय करके सेल करता हूं, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, और तब मैं माना जाऊंगा कि मैं ट्रेडर हूं। तो क्या इन्वेस्टर एंड ट्रेडर एक बंदा हो सकता है? एब्सोल्युटली। तुम कब किस कंपनी के शेयर्स के लिए ट्रेडर बन जाओगे, किस किस चीज के लिए आप इन्वेस्टर बन जाओगे? क्लियर विद दिस? अभी तो सर अपन ने इन्वेस्टर होना चाहिए, ट्रेडर होना चाहिए, बोलो मुझे व्हाट डू यू थिंक? ये जो इतने बड़े बड़े लोग हुए स्टॉक मार्केट में, आपने नाम सुना है स्टॉक मार्केट में जितने बड़े बड़े लोग हुए, सब लोग इन्वेस्टर थे, ट्रेडर थे या दोनों थे? कभी किसी के बारे में पढ़ा? बोलो ना। अरे आज चैट बॉक्स इतना सुना सुना नहीं होना चाहिए था ना, फटाफट से इसे आंसर आने चाहिए। कभी किसी के बारे में पढ़ा आपने? मैं भी बोथ बोथ, सब लोग आंसर दो ना प्लीज, व्हाट डू यू थिंक? अरे थॉट प्रोसेस बढ़ना चाहिए, आपका दिमाग का शक्ति बढ़ना चाहिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ, हाँ प्रसाद ने बोला इन्वेस्टर। सर वो तो डिपेंड करता है कि किस बंदे का क्या पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है कि जो जितना भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो अलग अलग कंपनीज में, सबको मिला के एक बंच ऑफ बंच, एक सबका इकट्ठा किया तो उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। जितना भी तुम लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा लगाओगे किधर, रिटर्न कमाने के लिए, तो सबका बंच कर लोगे, उसको नाम दिया जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, पोर्टफोलियो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देख लो, वो डिपेंड करता है कि उस बंदे का पोर्टफोलियो कैसा है, उसमें कैसे शेयर्स है वो देख लो। अभी कंपनी जो जो रहते हैं उसमें काफी बाइफोकेशन होता है, समझ लिए?
उसके पहले मैं जाऊंगा अपने मेजर चीजों पे, ये चीज पे हम आगे बढ़ेंगे। बट अभी अच्छे से ध्यान दो, अपन ने सेबी में पढ़ लिया, ठीक है, सेबी क्या होता है वो अपन को समझ गया। अभी एक बार हम जाएंगे कल के टॉपिक पे जो अपन ने डिस्कशन किया था, मैं बोला था कि अभी मैं आज कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो वो रह जाएगा अपना। अभी देखो, जब भी आपको मार्केट में आईपीओ में पैसा लगाना है तो आईपीओ आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो आईपीओ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है, एक बार आपके पास काफी ऑप्शंस रहेंगे। एक तो सेबी के साइट पे वेबसाइट पे जाके देख लो आप कौन से आईपीओ आने वाले हैं और उसका प्रोसेस क्या रहता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाके देख लो। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है सबसे पहले समझ लो, उसके लिए अपन जाएंगे अपने नेक्स्ट इस पे, हाउ शेयर ट्रांजेक्शन वर्क्स, ठीक है, कि शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन कैसे काम करता है, मतलब मैंने आज शेयर को परचेस करना है एंड बेचना है तो कैसे कैसे वो काम करेगा, एकदम अच्छे से ध्यान देके देखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे नॉलेजेबल चीज है, ठीक है। देख लो, जब मैं शेयर्स में कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं, आज मैं गया मार्केट में, अभी स्टॉक मार्केट क्या है आपको समझ गया, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे मैं शेयर्स को खरीदी कर सकता हूँ, शेयर्स को बेच सकता हूँ। एक्चुअली मैं शेयर्स बोलना ही नहीं चाहिए, मैं सिक्योरिटीज बोलना चाहिए, ताकि शेयर्स के साथ डिबेंचर्स भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, ठीक है। बट जब मैं स्टॉक मार्केट नाम दिया तो तब स्पेसिफिकली शेयर्स आता है, जब मैं सिक्योरिटीज मार्केट नाम दिया तो तब शेयर्स भी आएगा, बॉन्ड्स भी आएगा, डिबेंचर्स भी आएगा, परफेक्ट। अभी मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, मतलब शेयर मार्केट के बारे में, मतलब इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अभी ध्यान दो, जब मुझे कोई बाय करना है शेयर, ठीक है, तो तब मैं किसको पूछता हूँ, जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी का शेयर है। चलो मान लो आपने ऑलरेडी एक रिलायंस का शेयर ले लिया, मान लो अभी तक लिया नहीं आपने, बट मान लो कि ले लिया। अभी मुझे आपसे कोई परचेस करना है शेयर, बट मुझे पता ही नहीं कि तुम कहां पे रहते हो, क्या है क्या नहीं है, और मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे नहीं पहचानते, तुमको ये भी नहीं पता कि मुझे परचेस करना है, मुझे ये भी नहीं पता कि तुमको सेल करना है, सही है। अभी जिसको सेल करना है वो आता है एक मार्केट पे, सही है, जिसको परचेस करना है वो भी आता है उसी मार्केट में, एंड देन दोनों के ट्रांजेक्शन डिटेल्स को मैच करता है कोई अदर इंस्टीट्यूशन, और देखता है जिसने बाय करना है, जिसने परचेस करना है, उसका प्राइस, वो कितने प्राइस पे परचेस करना चाहता है, और जिसको सेल करना है वो कितने प्राइस पे सेल करना चाहता है। अभी मुझे बोलो सिंपल आज की चीज, मैंने बोला एक सिंपल एग्जांपल, मैंने हाँ ब्रोकर, ठीक है ब्रोकर, अभी मैं बताऊंगा कि ब्रोकर के अलावा और क्या क्या चीजें रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ब्रोकर इज एब्सोल्युटली सही आंसर शेखर जी, मतलब एक थोड़े लेवल पे सही आंसर, मैं पूरा नहीं बोलूंगा बिकॉज काफी सारे और लोग रहते हैं। पहले धन मैंने क्या बोला कि मुझे आज कभी भी कोई चीज मार्केट में लेना है, मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेटर मुझे खरीदी करना है, ठीक है, ये कैलकुलेटर मुझे खरीदी करना है, बट मेरी इच्छा है कि भाई मैं इसको 300 रुपए के ऊपर नहीं दे सकता बिकॉज इसका 300 रुपए के ऊपर वर्थ ही नहीं है, इसकी इज्जत ही 300 रुपए की, मैं क्यों ज्यादा पैसे दूं। तो मैंने रखा कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 300 रुपए पे करूंगा, तो मैंने एक ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर रख दिया कि भाई मैं इसको 300 रुपए में परचेस करना चाहता हूं इसे कैलकुलेटर को। कोई बंदा आया, वो बोलता है कि भाई मैं इसको तो 320 के नीचे बेचूंगा ही नहीं, क्या मेरा उसके साथ कभी एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं कभी उसके साथ एग्री करूंगा, सोचूंगा कि मैं उससे परचेस करूं वो मुझे बेचेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो सिंपल सी बोलने की बात ये है, जो मैं 300 रुपए में खरीदी करना चाहता हूं, जब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो ऐसे ही कैलकुलेटर को, यही कैलकुलेटर को मुझे 300 रुपए में बेचना चाहेगा, तब तक मैं वो ट्रांजेक्शन मेरा होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम ही चीज होता है, जब तक मुझे जो भाव पे कोई शेयर लेना है जब तक कोई मुझे उस भाव में सेल ना करे तब तक मेरा बाय का ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। अभी किसी को मैं पहचानता नहीं, कौन बेचना चाहता है मुझे पता नहीं, तो कैसे ये मार्केट वर्क करेगा, तो इसमें काफी सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है यार, पूरे इंडिया में इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, करोड़ों ट्रांजेक्शन होंगे, तो कोई एक बंदा, एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए काफी सारे लोगों ने, काफी सारे इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व होना पड़ता है। पहली चीज, कुछ सालों पहले आपने देखा रहेगा इसमें स्कैम 1992 में, अपने देखा रहेगा, बिग बुल में देखा रहेगा,
कि जब वो परचेस करते हैं तो ब्रोकर्स लोग ऐसे जाते हैं अपने दलाल स्विच में और एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में, एंड ऐसे ऐसे करते हैं। तो मतलब मैं परचेस करना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ जो भी भाव पे है, समझ रहे हो? तो ये होता था फिजिकल मार्केट, जिसको खरीदी करना है वो जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेस पे, वहां पे जाके खरीदी करेगा, वहां पे जाके बेचेगा। जिसको भी खरीदी करना है, जिसको भी बेचना है शेयर्स को, वो वहां पे जाके खरीदी करेगा, वहां पे जाके बेचेगा। सही है? तो वहां पर ही बायर्स आएंगे, वहां पर ही सेलर्स आएंगे। अभी फिजिकल पॉसिबल है क्या? जमाना बदल गया है यार, ऑटोमेटेड जमाना हो गया, तो पूरा कंप्यूटराइज हो गया। और ये डीमटेरियलाइजेशन इसको प्रोसेस बोले। क्या बोले? डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का वर्डिंग को शॉर्ट में कर दिया तो डीमैट बनता है। क्या बोले? डीमैट बनता है, डीमैट अकाउंट। तो आपने डीमैट अकाउंट तो सुना है, डीमैट का फुल फॉर्म क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन। अभी इसका मतलब क्या होता है डीमटेरियलाइजेशन का, एकदम सिंपल से समझ। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है कि जो फिजिकल हार्ड कॉपीज है, मान लो मेरा ये शेयर सर्टिफिकेट है, एक मिनट रुक जाओ, मान लो ये मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, ये कुछ सालों पहले ऐसे फिजिकल फॉर्मेट में रहता था कि यहाँ पे मेरा नाम, देन वहां पे इतने शेयर से मेरे पास, चलो ठीक है अभी मैंने बाय कर लिया, ठीक है ये मेरे पास रखना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसको गुम देता हूं तो मतलब मेरा ओनरशिप चला गया, समझा? अभी मैंने जब इसको सेल करना है तो मैं ये लेके जाऊंगा, इसको बोले शेयर सर्टिफिकेट, इसको मैं लेके जाऊंगा, किसी को दूंगा, वो ट्रांसफर कर दिया उसको, उससे पैसा ले लिया, ये मैंने बेच दिया। ये होता था काफी सालों पहले। अभी ये पेपर वर्क को पूरा ट्रांसफर कर दिया कंप्यूटराइज शेयर्स में। और ये प्रोसेस जो था कि जिसको पेपर फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर किया कंप्यूटराइज में, उसको प्रोसेस को बोले डीमटेरियलाइजेशन। समझे? क्लियर विद दिस? उस प्रोसेस को नाम दिया डीमटेरियलाइजेशन। आर यू गाइस गेटिंग? अरे बोलो ना, आज क्यों इतने ठंडे हैं? नहीं समझ रहा मुझे। ठीक है, ये प्रोसेस को बोले डीमटेरियलाइजेशन। परफेक्ट। अभी ये डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस में चार मेजर चीजें इन्वॉल्व होती है, चार मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपको नाम दिख रहे हैं? लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर। पार्टिसिपेंट्स मतलब ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ अपना हिस्सेदारी करते हैं, काम करते हैं। पहला चीज, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा प्लेस जो उस पर्टिकुलर शेयर्स का खरीदी करना, बिक्री करने में मेजर पार्ट करेगा। वहां पे आपको ये सब शेयर्स लिस्ट होंगे। अभी लिस्ट होना मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी किसी कंपनी को शेयर्स देने हैं किसी को, अभी कंपनी इतना तो रिकामा बैठा नहीं कि वो जाएगा मार्केट में फेसबुक पे एडवर्टाइज देगा कि भाई मुझे शेयर्स खरीदी का, मुझे शेयर्स इशू करने हैं, वो देगा इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज, वो देगा गूगल पे, यूट्यूब पे एडवर्टाइज। इतना थोड़ी रिका में बैठे वो लोग कि तुम जिसको चाहिए इस नंबर पे कॉल करो। नहीं भाई, सिंपल सी बात है, वो कंपनी जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे, एक लीगल प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को फॉलो करेगा एंड वहां पे अपने पूरे शेयर है ना लिस्ट कर देगा। क्या बोला? लिस्ट कर देगा। इसको बोलते हैं लिस्टिंग। क्या बोले? लिस्टिंग। ये लिस्टिंग कब होएगा? ये लिस्टिंग होएगा जब वो पहली बार मार्केट में, पब्लिक में शेयर्स इश्यू करने के लिए आएगा। उसके बाद एक बार सब लोगों ने उसकी मर्जी जान ली और सब लोगों ने अप्लाई कर दिया, तब वो लिस्ट होगा शेयर। समझते हो? और आपने सुना रहेगा भाई, आईपीओ मार्केट में आया, बम्पर लिस्टिंग गेन देके गया। सुना है कभी? आईपीओ आया मार्केट में, बम्पर लिस्टिंग गेन देके गया। लास्ट ईयर में इतने सारे आईपीओ हुए, भर भर के लोगों ने पैसा कमाया। समझ रहे? तो क्या होता है? हाँ, अरे बहुत सारे। तो पहले पहली ही बार आईपीओ जब कंपनी लाएगा, तब क्या करेगा वो? लोगों को पूछेगा कि भाई तुम लोग मेरे शेयर्स को खरीदना चाहते हो क्या? पहली चीज। सेकेंड क्वेश्चन वो पूछेगा, अभी उसको पता नहीं है कि कौन सा आदमी कितने पे खरीदेगा ना, हर एक आदमी अपना अपना अलग अलग प्राइस बोलेगा। बट अगर सब लोग अलग अलग बोलने लगे तो भाई चलेगा नहीं काम। तो उनको एक कुछ तो लेंथ, एक रेंज देना पड़ेगा कि भाई 100 से 120। क्या बोला? कि तुम लोग खरीदी करो बट कम से कम 100 में खरीदी करो यार, इज्जत मत निकालो हमारी, और ज्यादा से ज्यादा 120 में खरीदी करो। मतलब ये 100 से 120 का एक रेंज दिया लोगों को और पूछा कि भाई तुम लोग अभी बोलो तुम्हें कितने में खरीदी करना है। तुम्हें 100 में खरीदने करना है तो तुम 100 का ऑफर ऑर्डर डालो, तुम्हें 120 में खरीदी करना है 120 का डालो, 110 में करना है 110 का डालो, जितना भी चाहो उतना डालो। सही है?
मैं इसके लीगल रेगुलेशंस रूल्स बताऊंगा कि ये गैप कितना होना चाहिए, सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अभी बता देता हूं, ये जो रेंज होता है इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। क्या बोला मैंने? लिस्टिंग अगेन, एब्सोल्युटली बता रहा हूं, अभी तक खत्म नहीं हुआ प्रसाद जी, टेंशन मत। देखो मैं जो अभी बोला आपको कि कंपनी पहली बार आईपीओ लेने आए, समझा? अभी कंपनी मार्केट में आता है, कंपनी मार्केट में आएगा, वो लोगों को पूछेगा कि भाई हम इतना इतना शेयर इश्यू करना चाहते हैं ताकि हमें इतना इतना पैसा चाहिए। मैं आपको 2 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे हुआ है, एंड अभी जो आईपीओ आएगा उसका डिटेल्स पे हम काम बात करेंगे। उसके पहले समझ लो कि एक कंपनी है, अभी मेरा कंपनी है, मुझे पैसा चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, मुझे चाहिए 100 करोड़। मैं गया पब्लिक में और पूछा भाई किस किस को मेरे पैसा, मेरे शेयर्स लेने हैं। अभी मैं सबको पूछूंगा, कोई बोलेगा 2 रुपए में लूंगा, 100 रुपए में लूंगा, 500 में लूंगा, जो बहुत ही ज्यादा इज्जत देता है 1000 में लूंगा। नहीं ना यार, इतना तो वेरिएशन नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, उनको एक प्राइस, उनको एक रेंज दे दिया कि भाई तुमको खरीदना है तो 100 रुपए में एटलीस्ट, नहीं तो 120 रुपए में। तो 100 से 120 का एक रेंज दिया मैंने, और इस रेंज को मैंने नाम दिया प्राइस बैंड। मुझे बोलो फटाफट से चैट बॉक्स में, क्या बोले इसको? प्राइस बैंड, प्राइस बैंड बोलो ना यार, अरे बोलो ना प्लीज चैट बॉक्स में बोलो, प्राइस बैंड, समझे? प्राइस बैंड, परफेक्ट। किसको प्राइस बैंड बोले? कि जो मैंने रेंज दिया, किसने? कंपनी ने। आईपीओ लेके आते समय जो कंपनी ने रेंज बोला कि इतने प्राइस में भाई तुम कितना भी प्राइस तुम बोल सकते हो, हम डिसाइड करेंगे फाइनली तुमको कितने में देना है, सही है? हमें जितना डिमांड आएगा उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है जब डिटेल में आईपीओ की बातें करेंगे, मुझे अभी बेस क्लियर करना है। तो जब मैं बोला कि भाई मुझे ये, आपको मैंने 100 से 120 बोला, तो आप लोग अभी जो जो लोग उस कंपनी का शेयर खरीदी करना चाहेंगे वो उनके हिसाब से उनको जिस भी प्राइस पे लेना है 100 से 120 के बीच में वो एप्लीकेशन देंगे कंपनी को। ये सब ऑटोमेटेड हो रहा है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, कैसे होता है हम बात करेंगे बाद में, बट ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अभी वो लोग एप्लीकेशन करेंगे, मान लो किसी ने एप्लीकेशन किया कि हम 100 रुपए में लेने के लिए रेडी है भाई, किसी ने बोला नहीं हम 120 में लेंगे, किसी ने बोला नहीं हम 105 में लेंगे, 110 में लेंगे, 115 में लेंगे, ऐसे अलग 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 ऑर्डर्स है। अभी एक रूल रहता है कि ये जो 100 से 120 का प्राइस बैंड है ना, इसमें गैप ज्यादा से ज्यादा 20% का होना चाहिए। 20% ऑफ व्हाट? जो सबसे कम प्राइस है अपने 100 एंड 120 में, 100 रुपए का बेस प्राइस है, इसको बोलेंगे बेस प्राइस। ये 100 रुपए का 20%, 100 रुपए का 20% माने 20 रुपए, तो 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपए 100 रुपए के ऊपर तुम मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, ऊपर का जो लेवल रहेगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम 120। तो अगर कंपनी चाहे तो 120 के ऊपर चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। अगर उसने बेस वैल्यू लिया, लोअर बैंड, बेस वैल्यू जो रहता है 100 रुपए का, वो कंपनी डिसाइड करेगा, उसको बोले लोअर प्राइस बैंड। क्या बोले? लोअर प्राइस बैंड, लोअर नीचे का वैल्यू, उसका 20% मैक्सिमम वो अपर प्राइस बैंड तक जाएगा, मैक्सिमम 20%, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, 20% लॉ ने बोला हुआ है, सेबी का रेगुलेशन ने बोला हुआ है, सेबी के लॉ ने बोला हुआ है, सही है? तो मतलब 100 रुपए रहा तो मैक्सिमम अपर प्राइस बैंड कितना हो सकता है? 120। मुझे बोलो सर अगर कंपनी चाहे तो ये 20% तो मैक्सिमम है, तो 100 से 110 का प्राइस बैंड रख सकता है क्या? यस और नो? कंपनी चाहे तो आईपीओ में 100 से 110 का प्राइस बैंड रख सकता है क्या? यस और नो? सिंपल आंसर बोलते नहीं। कल्पित जी ने बोला नहीं रख सकते, कल्पित जी सबने बोला मुझे यस रख सकते हैं, अभी किसी ने आंसर मिस कर दिया होगा तो मुझे बताना। हाँ, बट सिर्फ कल्पित जी ने बोला कि सर नहीं रख सकते। कल्पित जी सुन लो, मैंने क्या बोला अभी कि जब भी लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि मैक्सिमम सब ज्यादा से ज्यादा 20% हो सकता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा 20% हो सकता है, उसके नीचे कंपनी चाहे तो कर सकता है भाई। तो 100 का 10% ही रखा, कंपनी बोलता है नहीं चाहिए हमें 20% ज्यादा, हमें 100 से 110 के बीच में ही रखना है, क्यों ज्यादा झंझट पानी करे, तो 100 से 110 रख लिया। कंपनी 100 से 130 रख पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, 120 के ऊपर वो जा ही नहीं पाएगा अगर 100 रुपए का लोअर प्राइस बैंड, समझे? क्लियर विद दिस? परफेक्ट, वेरी वेरी। चलो अभी मैंने बोला कि मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए,
एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे काम करेगा, बाद में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये कैसे काम करता है, बट अभी समझ लो। शॉर्ट में बोला कि मुझे 100 करोड़ चाहिए। अभी काफी सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्राइजेस बताए, कोई बोला कि 100 में चाहिए, कोई बोला 110 में लूंगा, कोई बोला 115 में, 120 में, 105 में, व्हाटएवर। मैंने देखा सबसे ज्यादा प्राइस कौन बंदा दे रहा है, तो 120 वाले लोग मुझे सबसे ज्यादा खरीदी करने के लिए रेडी है, मैंने उनको पैसा प्रेफरेंस दिया। ऑब्वियस है यार, जो मुझे ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी है मैं उसको बोलूंगा आजा भाई तू पहले आजा, उसको लाइन में तो मैं पहले बारी खड़ा करूंगा ना, सही बात है, मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैंने उसको पहले ले लिया। उसको बोला 120 में खरीदी करने के लिए कितने कितने लोग रेडी है, तो ऐसे काफी सारे लोग हो गए जो 120 में रेडी है, तो उनको मैंने पहला प्रेफरेंस दिया। और मैंने देख लिया कि इन सब लोगों के, अगर मैं इन सब लोगों को शेयर्स मैंने इश्यू कर दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैंने इन सब लोगों को शेयर्स इश्यू कर दिए तो मुझे मिलेगा 50 करोड़। अरे वाह, मुझे चाहिए 100 करोड़, उसमें से 50 करोड़ तो इन लोगों से ही मिल गए, वेरी गुड, 120 वालों। अभी भी मैं फाइनल कर सकता हूं नहीं, बिकॉज मुझे चाहिए 100 करोड़, मुझे अभी सिर्फ 50 करोड़ ही मिल रहे। अभी ध्यान दो आगे, अभी 120 के नीचे जाऊंगा भाई, 119 रुपए पे देने वाले, खरीदी करने वाले कितने लोग चाहते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हो गए। 118 रुपए पे लेने वाले कितने लोग चाहते हैं, इसे भी बहुत सारे लोग हो गए, सही है। तो ऐसे सब लोगों को मैं ऊपर से लेके नीचे तक गया और मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा सर कहां पे मेरा 100 करोड़ अचीव हो जाएगा टारगेट। मेरा टारगेट है मुझे 100 करोड़ चाहिए, इसे कौन से प्राइस तक आऊ 120 के नीचे कि जहां पे मैं अगर क्लोज कर दू तो मुझे 100 करोड़ मिल जाएगा, उनके ऊपर के लोगों को मैं सबको मेरे शेयर्स इश्यू कर दूंगा, सही है। अभी इश्यू करने के लिए जब ये मुझे लोगों से एप्लीकेशन आएगा, क्या बोले, जब लोगों से एप्लीकेशन आएगा उनका मैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा। मान लो 120 का नीचे आते आते मैंने फाइनल कर दिया 115, बिकॉज 115 के रुपए के प्राइस तक जितने भी लोगों ने बोला, मतलब 115 से लेके 120 के प्राइस तक जितने भी लोगों ने बोला, ये सब लोगों का पैसा मिला के मुझे मिल जाता है 100 करोड़ रुपए। क्लियर विद दिस? अरे समझा, तो मतलब मैंने 115 पे क्लोज कर दिया। अभी जिन जिन लोगों ने 115 के नीचे प्राइस चाहता ना, उन लोगों को मैं इज्जत ही नहीं दूंगा, उनका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब तुम लोगों ने अगर 115 के नीचे प्राइस पे अप्लाई किया रहेगा आईपीओ को, तो भाई तुमको कंपनी इज्जत ही नहीं देगा, वो बोलेगा मैं तुम्हें इश्यू नहीं करूंगा, बिकॉज तेरे से ज्यादा पैसा देने वालों से मुझे ऑलरेडी 100 करोड़ मिल रहा है जितना मुझे चाहिए, मैं क्यों तुझे इज्जत दू, मैं क्यों तेरे से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं, नहीं करूंगा, तो उनको तो रिजेक्ट कर दिया। अभी देखो मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जिसको किसी को 115 में मिलेगा जिसने 115 चाहा, किसी को 116 मिलेगा, किसी को 117 मिलेगा। अभी अगर मैं चाहूं तो 120 पे प्राइस रख सकता हूं क्या, या मुझे 115 रखना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना कि मेरा बिजनेस है, 120 प्राइस रखता हूं तो मुझे सब लोग लेंगे क्या? नहीं, उनसे तो सिर्फ 50 करोड़ ही आ रहे, अगर 120 प्राइस रखू तो 100 करोड़ नहीं आएगा। अनिमेश ने आंसर दे दिया, बाकी लोग मुझे बताओगे, थोड़ा सोच के बताना, अनिमेश का आंसर देख के मत बताना प्लीज। क्या बोला मैं कि तुम लोग कितना प्राइस रखना पड़ेगा बिजनेस में, उस शेयर को कितना प्राइस रखना पड़ेगा ताकि मुझे 100 करोड़ मिल जाए? तो सर 115 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन अगेन कल्पेश जी, मैं बोला कि 120 से ऐसे नीचे नीचे आ रहा हूं कि यहाँ इस लेवल तक प्राइस के, कि जिस लेवल तक मुझे मेरा 100 करोड़ मिलने का इच्छा पूरा हो जाता है, तो वो लेवल मेरा आ गया 115 का, मतलब 115, 116, 117, 118, 119, 120, ये सब प्राइस पे जिन अलग अलग लोगों ने पैसा एप्लीकेशन किया शेयर्स खरीदी करने के लिए, उन सब लोगों को मैं मिला दूं और उनका इच्छे का, जितना इच्छा है उनका पैसा इन्वेस्ट करने का, उन सब पैसे को मिला दूं तो मेरा 100 करोड़ अचीव हो जाएगा। अगर मैं अभी चाहूं तो 120 पे इशू नहीं कर सकता, क्योंकि 120 पे करूंगा तो सिर्फ 50 करोड़ मिलेंगे। 119 में भी नहीं कर सकता, बिकॉज सर मेरा 100 करोड़ टारगेट नहीं होगा, तो आएगा 115। तो मुझे फाइनल करना पड़ेगा 115 का ही प्राइस। विजय राज जी, 120 पे अगर मैं फाइनल कर सकता हूं तो फिर मैं नीचे जाऊंगा क्यों? अगर मैं 120 के प्राइस पे फाइनल कर दूं तो मैं नीचे जाऊंगा ही क्यों? अगर 120 पे फाइनल करके मुझे 100 करोड़ मिल रहे तो फिर मैं 119 और उसके नीचे तो इज्जत ही नहीं दूंगा, सबके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे 120 वाले जो जो लोगों ने चाहा उन लोगों से सिर्फ 50 करोड़ आ रहे, मुझे चाहिए 100 करोड़, तो बाकी 50 करोड़ के लिए मुझे बाकी लोगों को इज्जत देना पड़ेगा,
कि भाई 119 जिसने बोला वो आ जाओ ना, उनको इश्यू कर सकता हूँ, तो उनसे मिल रहा है मानो 20 करोड़, 118 5 करोड़, 117 10 करोड़, कितने हुए 35, और 116 5 करोड़, और 115 10 करोड़, इसे सब मिला दिया तब मेरा 115 के लेवल तक आया, 100 करोड़ का अमाउंट मिल रहा है मुझे। फिर इसके नीचे मैंने लोगों को हटा दिया, मैंने बोला मैं तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं कर सकता एक्सेप्ट, ठीक है सही है, क्लियर विद दिस। तो मुझे 115 मिनिमम प्राइस रखना ही पड़ेगा, अगर मैं उसके ऊपर रखता हूं तो मुझे 100 करोड़ मिलेंगे ही नहीं पैसे, ठीक है, बिकॉज उतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया उसके ऊपर के प्राइस पे। क्लियर विद दिस, समझा क्या मुझे बताओ ना कल्पेश जी, क्लियर कल्पेश जी, क्लियर परफेक्ट बोलो परफेक्ट। और कोई जिसको इशू था, विजय राजी आपको क्लियर हुआ, आपने गलत आंसर दिया था, आपको क्लियर हुआ, परफेक्ट वेरी गुड। अभी सुनो, मैंने फाइनल कर दिया प्राइस 115 का, ये जो फाइनल किया ना प्राइस, इसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, मेरे साथ बोलोगे, इसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। अभी मैं जब आपको एक्चुअल में आईपीओ का दिखाऊंगा ना कि कैसे एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें आपको जो सिलेक्ट करना पड़ता है वहां पे एक ऑप्शन रहता है कट ऑफ प्राइस, और वो सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसका लॉजिक आपको तब समझेगा, अभी जो मैंने आपको बोला उस लेवल पे। इसको मैं बेस लेके फिर से बाद में समझाऊंगा जब मैं आईपीओ का प्रोसेस दिखाऊंगा, अभी के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा लेवल पे आने दो, ठीक है, मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल नहीं जा सकता, अभी आ जाओ। मैंने बोला भाई 115 का प्राइस फिक्स कर दिया, अभी जो बंदा 120 में लेना चाहता था उसको मैं 120 में दूंगा और किसी को 115 में दूंगा, सर क्या है, मतलब इंसानियत नाम की चीज होती है, मैं किसी को 115 में दूं किसी को 120 में दूं, ऐसा थोड़ी ना होता है, सब अपने ही बंदे यार, अगर 115 फाइनल किया तो चुपचाप से सब लोगों को 115 में ही देना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, मुझे बोलो ना, 115 फाइनल किया तो चुपचाप से मुझे सब लोगों को 115 में ही देना पड़ेगा, तो जिन लोगों ने 120 पे अप्लाई किया वो लोग भी 115 ही पे करेंगे, जिन लोगों ने 119 किया वो लोग भी 115 ही पे करेंगे, 116 117 118 सब लोग 115 ही पे करेंगे। क्लियर विद दिस, अभी इसमें एक एक्सेप्शन आता है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो ये जब मार्केट में हुआ, सब एप्लीकेशन हो गए, कंपनी को पैसा मिलने का फिक्स हो गया, अभी कंपनी जाएगा मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे एंड शेयर्स को लिस्ट करेगा, क्या बोले, शेयर्स को लिस्ट करेगा, वो बोलेगा अब मैं स्टॉक एक्सचेंज पे मेरे शेयर्स को अहमियत देता हूं कि बाकी सब लोग ये जो शेयर होल्डर है मेरे जिनको मैं मेरे प्राइमरी मार्केट में इश्यू किया वो अभी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके सेल कर पाएंगे, उनको फिर से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, भैया मैं क्यों मैं मेरा बिजनेस करूं या इन लोगों को संभालता बैठूं, मुझे एक बार पैसा आ गया बस खत्म, अभी मुझे किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना, वो लोगों को अगर सेल करना है बेचना है तो वो जाए स्टॉक एक्सचेंज पे एंड सेल कर दे एंड फिर सेकेंडरी मार्केट शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट में लिस्टिंग होता है कंपनी का, जिसका भी क्वेश्चन था लिस्टिंग वाला उसको समझ गया, मुझे याद नहीं किसने पूछा था लिस्टिंग, मुझे एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, किसने पूछा था, प्रसाद जी, प्रसाद क्लियर है, प्रसाद क्लियर है क्या बोलो मुझे एक बार फटाफट से, लिस्टिंग समझ गया, परफेक्ट वेरी गुड। अभी यहां के बाद एक बार लिस्टिंग हो गया तो लिस्टिंग के बाद शुरू होगा मेरा सेकेंडरी मार्केट, सही है, तो अभी जिन लोगों ने लिस्टिंग में ले लिया था, लिस्टिंग के पहले आईपीओ में ले लिया शेयर्स को, अभी उनको बेचना है वो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा, वहां पे कोई और बंदा आएगा खरीदी करेगा। सर अभी इसके पहले तो चलो यार मैं करता था ये सब चीजें होती थी इन्वॉल्व आईपीओ में, और एक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रहेंगे वो बाद में देखेंगे, बट मैं बोला कि सेकेंडरी मार्केट का कैसा होता है, मुझे खरीदी करना था मैंने कर लिया पहले, अभी मैं बेचना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, और ये होगा तो मुझे क्या पता कौन बायर है, तो उसके लिए चार पार्टिसिपेंट्स आते हैं, हम आ गए अपने अपने पॉइंट पे जो अपने को डिस्कस करना था। पहले आया स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बोला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होगा, परफेक्ट, जहां पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होगा। सेकेंड आता है डिपॉजिटरी, अभी के लिए डिपॉजिटरी को मानो सिंपल सा बैंक, क्या बोला मैंने, बैंक, जैसे आपको पैसा, आपके पास कैश है, ठीक है, आपको कैश अभी नहीं चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना है, आप बैंक में जाओगे, सेविंग्स बैंक में रख दिया, सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, फिक्स डिपॉजिट रख दिया, बैंक के पास पैसा रख रहे हो, आपका पैसा किसके पास है, कैश किसके पास है, बैंक के पास है, वैसा ही
आपके शेयर्स कहां पे रहेंगे? वो रहेंगे डिपॉजिटरी में, समझे सर? वो तो सिक्योरिटीज के स्टॉक एक्सचेंज पे होना चाहिए। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज तो यार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी सब चीजें कैसे हैंडल कर पाएगा? तो वहां पे शेयर्स को संभालने के लिए एक जन को रख दिया जिसको बोले डिपॉजिटरी। सेकंड, जो पैसे की लेन देन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, जिसको खरीदी करना है वो पैसा देगा, जिसको बेचना है उसको पैसा मिलना चाहिए, वो शेयर देगा। तो शेयर सर जहां पे रहेंगे वो रहेंगे स्टोर करके डिपॉजिटरी में, एंड जहां से पैसे का लेन देन होगा वो थर्ड आएगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। प्लीज नाम याद रखना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, सही है, एंड क्लियरिंग बैंक। मैं बताऊंगा इसका रिलेवेंस क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग बैंक का अगले प्रोसेस में आने ही वाला है अपना ये चीज। एंड उसके बाद में आता है ब्रोकर। क्या बोला? ब्रोकर। अभी ऐसा समझ लो, चलो आ जाओ मेरे साथ प्रोसेस पे नेक्स्ट। अभी ये प्रोसेस के थ्रू आपको एकदम अच्छे से समझ गएगा, चलो एकदम बढ़िया से ध्यान दोगे। चलो देख लो क्या होता है मेरे साथ एकदम बढ़िया से। अभी मैं आपके मैसेज नहीं देख पाऊंगा बिकॉज मुझे आपको थोड़ा हाईलाइट वगैरह करके दिखाना है सब चीजें एकदम बढ़िया से, ठीक है। क्या क्या होता है देख लो, किसी को कुछ इश्यू है? नहीं है अभी ना, एक मिनट रुको एक बार चेक कर लेता हूं। अभी तक किसी को कुछ क्वेरी है क्या? फटाफट से मुझे बता दो चैट बॉक्स में, यस सर नो, किसी को कुछ क्वेरी है? नो जितेंद्र, फटाफट से सब प्लीज फटाफट से बता दो, मतलब ये प्रोसेस अपना टाइम लेगा थोड़ा समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड। चलो किसी को कुछ क्वेरी नहीं, मैं बढ़ रहा हूं आगे प्रोसेस समझाने के लिए, देख लो एकदम अच्छे से ध्यान देना। हाँ अभी देखो क्या होता है, ये है एक एक बायर, बायर मतलब ऐसा बंदा कि जिसको शेयर्स खरीदी करना है, वो उसको कैश देना पड़ेगा और उसको शेयर्स मिलने, सही है। पहली चीज क्या करेगा, ये है अपना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहां पे शेयर्स का लेन देन होगा, जिसके थ्रू पूरा शेयर्स का मार्केट वर्क करेगा। तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है बेसिकली, बट सबसे प्राइमरी दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है NSE एंड BSE। इसके बारे में हम बात करेंगे बस थोड़ी देर में, अभी के लिए बस समझ लो ये ट्रांजेक्शन समझने के लिए। NSE एंड BSE, NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला? NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा सबसे पुराना है? BSE, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना, उसके बाद बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी समझ लो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये सब चीजें हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए इसने अपॉइंट किया है, ओ एक मिनट, हाँ इसने अपॉइंट किया है दो मेजर चीजों को, एक है डिपॉजिटरी एंड एक है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सही है। मतलब इनके साथ काम करने के लिए, अपॉइंट नहीं बोल सकता, इनके साथ काम करने के लिए दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एक है डिपॉजिटरी एक है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। डिपॉजिटरी ये किनका रहता है? ये स्टॉक एक्सचेंजेस का ही रहेगा। तो NSE का डिपॉजिटरी है NSDL, ठीक है, एंड उसके बाद में BSE का डिपॉजिटरी है CDSL, क्लियर विद दिस? बस नाम याद रखना, बाद में अपन देखेंगे इसका फुल फॉर्म जब इनके वेबसाइट पे जाएंगे। अभी सुन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डिपॉजिटरी लिमिटेड है NSDL, उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है CDSL। इसका काम क्या है कि जो शेयर्स इसको मिलने हैं सेलर से, एक बायर है एक सेलर है, ठीक है। बायर ने बोला मुझे चाहिए शेयर 100 रुपए में, जब तक कोई सेलर ऐसा नहीं आएगा मार्केट में कि जो बोलेगा मुझे 100 रुपए में ही बेचना है, तब तक ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तब तक ये ट्रांजैक्शन होने ही नहीं वाला। अभी ये ट्रांजैक्शन होने देना है तो अपन बोलेंगे बायर चाहता है 100 रुपए में लेना है, सेलर चाहता है 100 रुपए में बेचना है, ये ट्रांजैक्शन कैसे काम करेगा अभी देख लो। इसके लिए काम में आता है पहले स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद में उसके कुछ मेंबर्स। स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर रहता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर। स्टॉक एक्सचेंज ने ये बायर से जो कैश लेना है और ये सेलर से जो शेयर्स लेना है, इसके लिए अपॉइंट किया है ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। उसके बाद में ये जो शेयर्स हैं,
ये जो शेयर्स है ये स्टोर होते हैं अपने कंप्यूटराइज है, अभी तो फिजिकल है नहीं कोई कॉपीज, तो कंप्यूटराइज है क्योंकि डिमेटेरियलाइजेशन हो चुका है सबका, सभी शेयर्स का। तो अगर डिमेटेरियलाइजेशन हुआ है तो कंप्यूटराइज है ना सब चीजें, तो कहीं पे तो स्टोर करके रखनी पड़ेंगी उसके सभी रिकॉर्ड्स कि किसका कौन सा शेयर है भाई। सही है, तो अगर उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं तो वो भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो है मेरा डिपॉजिटरी। सही है, अब ये डिपॉजिटरी के पास सब चीजें हैं कि कौन सा शेयर किसका है। जब ये सेलर को किसी शेयर्स को बेचना है तो उसका इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी के पास रहेगा, बट हर रोज इतने सारे करोड़ों ट्रांजेक्शन होंगे, अब जो ट्रांजेक्शन होंगे कि ये डिपॉजिटरी अकेला सुरपुरा मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसने एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपॉइंट किया हुआ है। सही है, तो उसका काम एक मीडिएटर रख दिया, वो डायरेक्टली सेलर के साथ बात नहीं करता, वो बोलता मेरे बीच में जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से बात करो और उनको बोलो कि मुझे ये बेचना है। जिसको खरीदी करना है वो बोलता है कि भाई तू तेरे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से बात कर और बोल कि मुझे खरीदना है, समझे। उसके बाद में मेरे पास आता है नेक्स्ट चीज, जब किसी को शेयर्स का लेन देन हो जाएगा डिपॉजिटरी के थ्रू, बट जिसको इसका पैसे का लेन देन करेगा, मतलब अभी बायर ने जो कैश देना है और इसको सेलर को जो कैश मिलना है, इसका पूरा ट्रांजैक्शन ऑपरेट करने के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं आता, तो डिपॉजिटरी बोलता भाई मैं शेयर्स को संभाल रहा हूं, मैं कैश को नहीं संभालूंगा। तो इसके लिए एक नया चीज आता है जिसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कि जो ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ना इसको पूरा क्लियर करेगा, एकदम परफेक्ट से मूव करेगा, स्टार्ट करेगा, एंड करेगा पूरा ट्रांजेक्शन। और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी इतने सारे ट्रांजेक्शन होने की वजह से अपने अपने मेंबर्स को अपॉइंट किया, जिसको नाम दिया क्लियरिंग मेंबर्स, समझे। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये जो क्लियरिंग मेंबर है, ये जो ट्रेडिंग मेंबर है, ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये तीनों का काम करने वाला यूजुअली एक ही बंदा होता है, जो जिसको बोलते हैं आप लोग ब्रोकर, समझ गया, जिसको बोले ब्रोकर। सेम चीज यहां पर भी, जो क्लियरिंग मेंबर है, जो ट्रेडिंग मेंबर है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये तीनों का काम सिर्फ एक ही लोग करेगा जिसको बोलेंगे ब्रोकर। अगर सर वो ब्रोकर चाहे तो इस काम को किसी और से करा के ले सकता है, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूशन है जिससे वो काम ये करा के लेगा। मतलब मान लो ये ब्रोकर जो अपना पहला वाला है, ये है मेरा जीरोदा, जीरोदा करके एक ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है। मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब क्या होता है, उसके पहले समझ लो एग्जाम्पल के लिए। जीरोदा है ये पहला पहला ब्रोकर, यहाँ पे आइदर ये खुद सेम ब्रोकर हो सकता है या कोई अलग भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बायर का ब्रोकर और सेलर का ब्रोकर अलग ही रहेगा, नॉट एट ऑल। मैंने भी जीरोदा के साथ ट्रांजेक्शन करना है, मेरा भी ब्रोकर जीरोदा है, आपका भी ब्रोकर जीरोदा है। अगर आप कोई रिलायंस का शेयर बेचना चाहते हो, मैं कोई रिलायंस का शेयर खरीदी करना चाहता हूँ, तो जीरोदा से ही दोनों चीजें ऑपरेट हो सकती है, तो सेलर का एंड बायर का दोनों का ब्रोकर सेम रह सकता है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, या सर डिफरेंट भी रह सकता है। मान लो सेलर का ब्रोकर ब्रोकर है एक्सिस, ओके एक्सिस। अभी जीरोदा अगर चाहे तो वो बोल सकता है कि भाई मैं सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर का भी काम करूंगा और मैं सिर्फ क्लियरिंग मेंबर का काम करूंगा, बट मुझे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम नहीं करना, वो काम मैं किसी से आउटसोर्स करा के लूंगा। अभी आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, आउटसोर्स मतलब वो किसी और से करा के लेगा। सिंपल बिजनेस का एग्जाम्पल दू तो मेरे बिजनेस में, अगर मैं बोलू मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मुझे बहुत सारे काम करना है, मुझे मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना है, मान लो ये मेरा कंपनी है मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने का। अभी ये मोबाइल का मैन्युफैक्चर करना तो मुझे इसका कैमरा भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, सब चीजें चाहिए, स्क्रीन चाहिए, ग्लास चाहिए, सब चीजें चाहिए मुझे, बट मैं सबका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें के कुछ चीजों का मैन्युफैक्चरिंग किया, कुछ चीजें डायरेक्टली किसी से परचेस कर ली, बट इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस था ना, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का अगर मैं प्रोसेस देखूं तो पांच फेजेस होते हैं, पांच प्रोसेस है मान लो मैन्युफैक्चर करने में, उसमें से मैं करता हूं सिर्फ चार प्रोसेस और एक प्रोसेस में किसी और से करवा के लेता हूं जो उसमें एक्सपर्ट है, ताकि मुझे मेरे मशीनरी में वगैरह इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, तो मैं मान लेता हूं कि भाई मैं किसी और से करवा के ले लूं। जब मैं मेरे इसका प्रोडक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और से करवा के ले रहा हूं कोई भी काम, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं आउटसोर्सिंग, समझे।
तो सेम चीज मुझे यहाँ पे बोलना है कि जीरोधा ने चाहा कि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज नहीं है भाई कि मैं क्लियरिंग मेंबर का भी काम करूं, मैं ट्रेडिंग मेंबर का भी काम करूं और मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी काम करूं। नो, मेरे पास इतने एम्प्लॉयज है कि मैं क्लियरिंग मेंबर का कर सकता हूँ, ट्रेडिंग मेंबर का कर सकता हूँ, बट मैं डिपॉजिटरी का नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, जीरोधा ने मान लो क्या किया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का जो सर्विस रहेगा शेयर्स का, वो सर्विस किसी और से आउटसोर्स कर लिया, किसी और से ले लिया। समझा? क्लियर विद दिस? तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, एक्चुअल में जीरोधा ऐसे करता है क्या? नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए बोला कि आइदर एक ब्रोकर तीनों चीजें साथ में कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी और से ले भी सकता है। उसके बाद में आता है मेरा मेजर प्रोसेस, ये प्रोसेस अभी काम किसे करेगा। चलो आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है? अभी 1 मिनट के लिए समझ लो, ये पूरा प्रोसेस होना एक दिन में अभी तक इंडिया में संभव नहीं हुआ। ये पूरा प्रोसेस होना एक दिन में पूरा संभव नहीं हुआ, इसको लगते हैं 3 दिन। क्या बोला मैंने? 3 दिन। और 3 दिन कैसे नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं टी प्लस टू सेटलमेंट साइकिल। ये टी प्लस टू क्या होता है मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट के लिए आ जाओ मेरे साथ देख लो। टी प्लस टू सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? मैंने बोला शेयर जो मुझे खरीदी करने हैं वो मुझे तुरंत नहीं मिलेंगे, और जो मुझे अगर कोई शेयर्स बेचने हैं तो उसका पैसा भी मुझे तुरंत नहीं मिलता है, उसको लगता है एडिशनल 2 दिन। क्या बोले? एडिशनल 2 दिन। मतलब जिस दिन मैंने बोला कि आज मुझे खरीदी करना है, मान लो आज 21 मई है ना, तो चलो आज मैंने दोपहर को बोला था कि मुझे बाय करना है शेयर रिलायंस का, तो मैंने क्या किया, मान लो 2000 का जो प्राइस है उसका, वो 2000 एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, उस प्राइस पे मुझे बाय करना है। तो इसके लिए मैंने मेरे ब्रोकर पे ऑर्डर डाल दिया कि भाई मुझे 2000 में बाई करना है, और कोई ऐसा सेलर भी मिल गया जिसको 2000 में सेल करना है, तो मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गए। अभी मेरे अकाउंट से 2000 रुपए आज ही चले जाएंगे, समझे? मेरे डीमैट अकाउंट से 2000 रुपए आज ही चले जाएंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे शेयर्स आज नहीं मिलेंगे, मुझे शेयर्स आज नहीं मिलेंगे। अभी अच्छे से ध्यान दो, ये शेयर्स मुझे कब मिलेंगे? 22 तारीख। अभी मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, सैटरडे संडे इग्नोर कर दो। चलो पहले अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ये 21 तारीख वगैरह इग्नोर करता हूँ, बिकॉज कल सैटरडे संडे आ रहा है, कल और परसों, तो मैं भैया उसको 2 मिनट के बाद एग्जाम्पल लूंगा। मैंने बोला देख लो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है कुछ 17 तारीख को, 17 मई को जो मंडे था, तो 18 तारीख एंड 19 तारीख, ये जो 17 तारीख को जब मैंने बाय करना चाहा था उसको बोले टी डे, ट्रांजेक्शन डे, जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन एंटर किया। आर यू गाइस गेटिंग? उसके बाद नेक्स्ट 18 तारीख को बोलूंगा टी प्लस वन, 19 तारीख को बोलूंगा टी प्लस टू। तो ये जो मैंने शेयर्स बाय करना उसका जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया था, उसका शेयर्स मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में मिलेगा 19 तारीख को। समझा? अभी इसके बीच में अगर कोई छुट्टी आता है तो इन दैट केस और एडिशनल 1 दिन लग जाएगा। तो अगर मैं बोलूं आज की मैं बात करूं, 21 तारीख को आज मैंने दोपहर को 2 बजे क्विट बोला था भाई शेयर्स लेना है, तो 22 को छुट्टी आई कुछ काम नहीं होगा सर छोड़ दो, 23 को भी छुट्टी आई कुछ काम नहीं होगा छोड़ दो, 24 को बोलूंगा टी प्लस वन एंड 25 को बोलूंगा टी प्लस टू। तो मुझे शेयर्स कब मिलेंगे? आज परचेस किए हुए 25 तारीख को। समझा क्या रे सबको? मुझे बोलना परफेक्ट समझ गया, शेखर जी ने बोल दिया था आंसर मुझे, वेरी वेरी गुड, सबको समझ गया मुझे कब शेयर्स मिलेंगे? एग्जैक्टली सेम वे, आज मैंने दोपहर को 2 बजे जो शेयर्स बेचा था वो शेयर्स तो मेरे डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे भैया, बट उसका पैसा मुझे आज नहीं मिलेगा। उसका पैसा मुझे कब मिलेगा मुझे बोलोगे? 21 तारीख आज मैंने अगर शेयर्स को बेचा 2 बजे और वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो उसका पैसा मुझे कब मिलेगा? उसका पैसा मुझे कब मिलेगा बोलो ना प्लीज। 21 तारीख उसका पैसा आज मिलेगा शेखर जी? शेखर जी मुझे बोलो एक्चुअल में आज पैसा मिलेगा क्या? शेखर जी एक्चुअल में आज पैसा मिलेगा क्या? सिर्फ शेखर जी ने बोला कि आज पैसा मिलेगा, बाकी सब लोग बोल रहे 25 को मिलेगा। एक्चुअल में देखो क्या होता है, एक्चुअल में मैं बोलूं तो 25 को पैसा मिलता है, एक्चुअल में क्या बोलूं,
आई विल कट डाउन ओनली फ्रॉम डीमैट अकाउंट, इट विल कट डाउन ओनली फ्रॉम डीमैट अकाउंट। हाँ सुनो, आज मैंने शेयर्स बेचा, एक्चुअल में जो मेरा पैसा मिलना चाहिए वो मुझे मिलेगा 25 में, समझो। मैंने जो खरीदी किया था वो किया था 1000 रुपए पे, मैंने आज बेचा मान लो 1200 रुपए पे। अभी स्टॉक मार्केट में क्या होता है उसका मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। अभी रूल्स चेंज हुए थे बीच में, सही है? पहले वाला सिनारियो बोलता हूं पहले एंड उसके बाद में अभी का बोलता हूं, ठीक है? पहले वाला देख लो, पहले क्या होता था, 1000 रुपए में खरीदी किया, 1200 रुपए में सेल कर दिया, तो मुझे पैसा कितना मिलना चाहिए, 1200 रुपए। तो मुझे 1200 रुपए मेरे डीमैट अकाउंट में दिख जाते हैं ताकि मैं वो 1200 रुपए से कोई और चीज खरीदी कर सकता हूँ। क्या बोला, 1200 रुपए से कोई और चीज खरीदी कर सकता हूं, बट वो 1200 रुपए मेरे नहीं होते, समझ लो। विजय राज जी आपने तो कुछ अलग ही बोला, 24 तारीख को मिलेगा दो मिनट के लिए कोई टेंशन नहीं, सुन जाओ, देख लो मैं क्या बोल रहा। शेखर जी आप जो बोले ना कि आज पैसा मिलेगा, आज आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट में पैसा मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो कोई और शेयर खरीदी करने के लिए, बट सच में वो पैसा आपका नहीं है भैया, वो आपके ब्रोकर का पैसा है। क्या बोला, वो आपके ब्रोकर का पैसा है। आपको जो पैसा मिलेगा वो रहेगा 25 तारीख को। क्या मिलेगा, 25 तारीख को। या अपना पहला वाला एग्जाम्पल देखे तो 17 तारीख को अगर सेल किया तो उसका पैसा मिलेगा 19 तारीख को। ये चीज होता था पहले। अभी क्या होता है देखिए, अभी होता है आज अगर मैंने कुछ सेल किया, 1000 रुपए का परचेस किया था, 1200 रुपए में सेल किया, तो मुझे आज जो डीमैट अकाउंट में मिलेगा वो पूरा 1200 नहीं मिलेगा। पहले कितना मिलता था, पूरा 1200 मिलता था जितने में सेल किया, अभी मुझे 1200 नहीं मिलेगा, अभी मुझे डीमैट अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए मिलेगा। क्या बोला, अभी मुझे डीमैट अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए मिलेगा जितने पे तुमने परचेस किया था भाई, जितना तेरा कॉस्ट था, जितना तेरा खर्चा था, उतना तुझे 1000 रुपए मिल जाएगा डीमैट में आज के आज ही। बट ये 200 रुपए आपको मिलेंगे कल। विजय राज जी अगर आपको इस हिसाब से बोलना था तो फिर आपका आंसर सही। आज के हिसाब से क्या होता है, ये 1000 रुपए डीमैट अकाउंट में आज मिल जाएंगे, उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा सच में, वो अधिकार तो आपको 25 में आएगा, समझते हो। बट आप आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आपको कल मिलेगा। ये सेबी ने नया रूल लाया है। इसका लॉजिक क्या है ये रूल लाने का, कोई बता सकता है, किसी को पता है क्या, क्या दिमाग हो सकता है, क्यों ऐसा बना सकता है, क्यों ऐसा सेबी ने बोला कि भाई पहले हम तुमको पूरा की पूरा सेल वैल्यू दे देते थे तुमके प्रॉफिट के साथ, उसी दिन जिस दिन तुमने सेल कर दिया उसी दिन तुमको मिल जाता था तुम्हारे डीमैट अकाउंट में, भले ही उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था बट फिर भी तुम उसको यूज कर पाते थे किसी और शेयर खरीदी करने के लिए। बट अभी ऐसा क्यों किया, अभी क्यों बोलते हैं कि तुम लोगों ने प्रॉफिट जो कमाया वो प्रॉफिट हम तुरंत तुमको देंगे, नहीं हम दूसरे दिन देंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा अपने हित के लिए ही होता है। ऐसा सेबी ने क्यों किया, अपने हित के लिए ही किया। क्यों किया मैं बोलता हूं, देख लो उसका लॉजिक ये है कि इंडिया में लोग बहुत हौले ब्रोकर्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, वन ऑफ द वो चीज बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कल्पेश जी ने बहुत बड़ा पॉइंट बोल दिया। एक मेजर चीज और एक देख लो, इसमें क्या होता है, इंडिया में बहुत हौले लोग हैं, लोगों को आज प्रॉफिट कमाए ना तुरंत प्रॉफिट के साथ और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर लॉस में पूरा पैसा चला जाएगा। क्या बोले, फिर लॉस में पूरा पैसा चला जाएगा। अभी भाई तुमने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट को थोड़ा सिक्योर करके रखो, जितना तुम्हारा खर्चा था उतना ही इन्वेस्ट करो, सही है? तो एक दिन के लिए एटलीस्ट तुम्हारा प्रॉफिट सिक्योर रहता है इस पर्टिकुलर चीज के वजह से। ये अपना फायदा होता है नए प्रोसेस के वजह से जो सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, समझे। अभी इसके पीछे बड़ा लॉजिक होता है ब्रोकर इन्वॉल्वमेंट, जो कल्पेश जी ने बोला, ताकि अपना जो पैसे आते हैं ना, ये दो दिन जो मैं बोला कि अपना पैसा नहीं है, अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा शेखा जी, आपको और क्लैरिटी देता हूं ये चीज के लिए कि आज पैसा मेरा क्यों नहीं मानता। मेरे डीमैट अकाउंट में दिखता है मुझे सेल करने के बाद आज ही पैसा है, मैं यूज भी करता हूं, कर सकता हूं दूसरे कोई शेयर्स लेने के लिए, बट मेरा पैसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप चाहो तो उसको बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते। आज आपने सेल किया 1200 रुपए में, आपके अकाउंट में आज के नए प्रोसीजर के हिसाब से 1000 रुपए ही आए डीमैट अकाउंट में, 200 रुपए कल आएंगे, तो जो 1000 रुपए आए आज वो आप आपके बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते फिर से, वो आप ले पाओगे सिर्फ दो दिन बाद। उसका ये लॉजिक है, क्यों दो दिन बाद,
बिकॉज दो दिन तक उस पैसे पे आपका अधिकार है ही नहीं, वो तो ब्रोकर का पैसा है। क्या बोले? वो तो ब्रोकर का पैसा है, समझे? क्लियर विद दिस? क्योंकि ब्रोकर के पास आपका पैसा आके पड़ जाएगा, दो दिन में एक दिन तक ब्रोकर के पास पैसा आ जाएगा, उसके बाद में एक दिन बाद वो आपको मिलेगा, समझते हो? और ये जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है ना, इसके वजह से अभी वो एक दिन का प्रॉफिट इन्वॉल्वमेंट भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और वो बोले कि प्रॉफिट आज नहीं देंगे, वो कल देंगे, समझ लिए? क्लियर विद दिस? ये समझ गए आपको अभी तक क्या है? दो दिन बाद होता है ये जो सेटलमेंट साइकिल होता है ना, शेयर्स मुझे मिलेंगे खरीदी करने के बाद दो दिन के बाद, और जो शेयर्स में सेल करूंगा उसका पैसा भी एक्चुअल में मुझे डीमैट अकाउंट में आज मिल जाएगा, जो सिर्फ मैं और किसी शेयर्स को खरीदी करने के लिए यूज कर पाऊंगा। बट मैं बैंक में अगर विड्रॉ करना है तो वो दो दिन बाद ही कर पाऊंगा, बिकॉज एक्चुअल में मेरा अधिकार उस पैसों पे दो दिन बाद ही आएगा। परफेक्ट, एकदम क्लियर एवरीबॉडी? चल अभी इसके बाद में अपना ये होता है सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल पे आ जाओ, ये कैसे काम करता है पूरा ट्रांजैक्शन ये समझ लो, एक मिनट। मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी देखने में, ठीक है? अब एकदम अच्छे से प्रोसेस समझ लो क्या बोल रहा मैं, देख लो क्या होता है। सबसे पहले किस दिन क्या चीजें होती है ये चीज हम देखेंगे आज, और फिर सेशन को स्टॉप करेंगे, ठीक है ना? चलो आ जाओ फटाफट से। बायर ने जिस दिन ट्रांजैक्शन करना है उस दिन ट्रांजैक्शन का बाय ऑर्डर दे दिया, ठीक है? एकदम अच्छे से ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन। बायर ने बाय ऑर्डर डाला किस दिन? टी। टी मतलब कौन सा? ट्रांजैक्शन डे। मतलब अपन ने कौन सा बोला अभी? ट्रांजैक्शन डे 21 तारीख आज का 2 बजे, 3:30 बजे के पहले ही करना पड़ेगा ये सब चीजें जो भी करनी, वो जाएगा ट्रेडिंग मेंबर को। ये जब ऑर्डर डालोगे वो जाएगा ट्रेडिंग मेंबर को, मतलब आपके ब्रोकर को। परफेक्ट, ब्रोकर ने वही बाय ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया स्टॉक एक्सचेंज को, समझे? स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? ब्रोकर बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि भाई सागर कुछ शेयर खरीदी करना चाहता है, जो एक बंदा है वो बेचना चाहता है, सही है? ये है शेखर जी और ये है सागर, एसए एंड एसएच। अभी शेखर जी कुछ मुझे बेचना चाहते हैं, मैं कुछ खरीदी करना चाहता हूं, हम दोनों का सेटलमेंट हो गया, हम दोनों पहचानते नहीं एक दूसरे को मार्केट में, सही है? ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कल, जब हम एक्चुअल मार्केट में देखेंगे कि क्यों हम पहचानते नहीं एक दूसरे को, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी है उनको पता भी होगा। बायर ने बाय ऑर्डर डाला, मैंने बाय ऑर्डर डाला आज के दिन, वो ट्रेडिंग मेंबर के पास चला गया, ट्रेडिंग मेंबर ने आज ही के दिन उसको बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज को कि सागर को कुछ खरीदी करना है, ये इतने इतने शेयर्स खरीदी करने, ठीक है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर ने बोला, स्टॉक एक्सचेंज ने वो चीज का इंफॉर्मेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भी दे दिया और उसके डिपॉजिटरी को भी दे दिया। तो मतलब मेरा अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे उसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दे देगा जिसका नाम है एनएससी क्लियरिंग, और डिपॉजिटरी को दे देगा जिसका नाम है एनएसडीएल। परफेक्ट, अगर मेरा ट्रांजेक्शन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस इन्फॉर्मेशन को ब्रोकर से जो मिला उसको दे देगा आईसीसीएल को, जो उसका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, और उसका डिपॉजिटरी है सीडीएसएल को। परफेक्ट, जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का इन्फॉर्मेशन आ गया, ये लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे, इनको पता लग जाएगा कि भाई सागर का ट्रांजेक्शन सेटल करना है, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम, उसको पैसे का लेन देन कराना है, और डिपॉजिटरी को काम है कि सागर को शेयर्स लेके देने हैं किससे, सेलर से। अभी जैसा मेरा ट्रांजेक्शन हुआ बाय ऑर्डर का, वैसा ही शेखर जी ने उनके ब्रोकर के अकाउंट पे उसी दिन आज ही के दिन सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, उनके ब्रोकर ने आज ही के दिन स्टॉक एक्सचेंज को बोल दिया कि भाई ये शेखर जी ये शेयर्स सेल करना चाहते हैं। परफेक्ट, अभी शेखर जी जो सेल करना चाहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन मिल गया, स्टॉक एक्सचेंज ने उनके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बोल दिया। अभी यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि मेरा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे मैंने परचेस किया है और उसने जो सेल किया वो बीएससी पे किया, समझ रहे हो? ये दोनों चीजें मैटर करेगी आपकी, आप कहां पे खरीदी करते हो कहां पे बेचते हो,
आपने एनएससी पे खरीदी करके बीएससी पे बेच सकते हो, बीएससी पे खरीदी करके एनएससी पे बेच सकते हो, बट जब एनएससी से खरीदी कर रहे हो तब आप एनएससी से ही सेलर रहेगा, बट जब आप बीएससी से बीएससी से खरीदी करोगे तो बीएससी का ही सेलर रहेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक तो ये एनएससी रहेगा, ये एनएससी रहेगा, ये बीएससी रहेगा, तो ये भी बीएससी रहेगा, समझे। अभी अच्छे से ध्यान दो, इसने भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बोल दिया कि शेखर जी ये शेयर सेल करना चाहते हैं, डिपॉजिटरों की बोल दिया कि ये शेयर सेल करना चाहते हैं। अभी जैसे ये इंफॉर्मेशन आ गया, ये सब हो रहा है आज ही के दिन 21 तारीख को ये सब चीजें हो गई। अभी कल क्या होगा देख लो, एकदम बढ़िया से। जब मैंने आज खरीदी किया तो मैंने पैसा भी पे कर दिया मेरे ब्रोकर को, समझ रहे हो, ये पैसा भी आज ही के दिन मेरा चला जाएगा, तो ये आज का दिन का अमाउंट भी मेरा पे हो गया। किसको जाएगा ये? ब्रोकर को जाएगा, क्लियरिंग मेंबर को। अभी एक दिन के लिए ब्रोकर उसके अकाउंट में पैसा यूज कर रहा है, देख लो। और उसके बाद में ब्रोकर दूसरे दिन कल, अभी कल नहीं होगा ये एक्चुअली, बिकॉज कल सैटरडे और परसों संडे आ गया, तो ये चीज होगा मंडे को। मंडे को क्या करेगा, टी प्लस वन को ब्रोकर उसके क्लियरिंग के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेगा। क्या बोला? ब्रोकर का क्लियरिंग बैंक अकाउंट रहेगा, उसमें पैसा जमा करेगा, एंड वो पैसा जो सेलर है उसके ब्रोकर के क्लियरिंग बैंक अकाउंट में तीसरे दिन चला जाएगा, मतलब टी प्लस टू डे पे चला जाएगा। समझा क्या अभी तक? समझा? आज के दिन मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया, ट्रेडिंग मेंबर को बाय ऑर्डर दिया, मतलब मेरे ब्रोकर को बाय ऑर्डर दिया, ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को आज ही बता दिया। वैसे ही जिस सेलर के साथ ये चीज हुआ था वो सेलर ने भी आज ही के दिन सेल ऑर्डर दिया था, तभी तो हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और सेलर ने आज ही के दिन ट्रेडिंग मेंबर को मतलब उसके ब्रोकर को बता दिया, उसके ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया, और स्टॉक एक्सचेंज ने मेरा इन्फॉर्मेशन और सेलर का इन्फॉर्मेशन, दोनों इन्फॉर्मेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को उनके एंड उनके डिपॉजिटरी को ट्रांसफर कर दिए कि ये बंदा बाय करना चाहता है, ये बंदा सेल करना चाहता है, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट थिंग क्या हुआ, आज मेरा पैसा जा चुका है, जब मैं खरीदी करने का ऑर्डर दिया तो पैसा मेरे डीमैट अकाउंट से जा चुका है, एंड जब ये सेलर सेल करना चाहता है तो उनके डीमैट अकाउंट से शेयर्स भी जा चुके हैं, परफेक्ट। जो पैसा मेरा आज गया वो किधर गया? वो ब्रोकर के पास गया, क्लियरिंग मेंबर के पास गया, और ये जो शेयर्स गए सेलर के वो किधर गए? ये जो डिपॉजिटरी का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उनका मेंबर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर, वो ब्रोकर के पास शेयर्स गए, समझे। अभी ये पैसा जो ब्रोकर के पास मेरा गया वो पैसा जाएगा क्लियरिंग बैंक अकाउंट में उसी दिन, मतलब कल दिन, कल के दिन, सैटरडे संडे छोड़ के मंडे को जाएगा, मतलब टी प्लस वन डे पे जाएगा, एंड उनके बैंक अकाउंट से जो सेलर का बैंक अकाउंट है, ब्रोकर है, सेलर का ब्रोकर जो है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा तीसरे दिन, मतलब टी प्लस टू पे, एकदम क्लियर। एंड ये जो ब्रोकर पैसा मिला टी प्लस टू को, उसका बैंक अकाउंट उसके क्लियरिंग मेंबर को, मतलब ब्रोकर के इसमें पैसा आ जाएगा टी प्लस टू को उसी दिन, एंड उसी दिन वो ट्रांसफर कर देगा सेलर को, एकदम परफेक्टली समझ गया। तो सेलर के ब्रोकर को जो पैसा मिला वो कब मिला? तीसरे दिन, उसी दिन उसने पैसा भी दे दिया किसको? सेलर को। सेम चीज शेयर्स का बारे में क्या होता है, सेलर ने जो शेयर्स दिया वो दिया आज के दिन, उसके डीमैट अकाउंट से निकल गया आज को ही, ये शेयर्स डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट तक रहेगा, मतलब ब्रोकर के पास रहेगा एक दिन के लिए, और कल सैटरडे संडे छोड़ दो मतलब दो दिन के लिए रहेगा, तीसरे दिन ब्रोकर ट्रांसफर करेगा एक डिपॉजिटरी के डेडिकेटेड पूल अकाउंट में, जैसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्लियरिंग बैंक अकाउंट रहेगा ब्रोकर का, वैसा ये ब्रोकर का एक डेडिकेटेड पूल अकाउंट रहेगा दोनों का, जो बायर का ब्रोकर है जो सेलर का ब्रोकर है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, इनका पूल अकाउंट में शेयर्स आएंगे, मतलब वहां पे सिर्फ शेयर्स रहेंगे, शेयर्स का गट्ठा एक बॉक्स जैसा रहता है ना, बॉक्स में सिर्फ शेयर्स है, वैसा समझ लो एक इमेजिनरी बॉक्स, बिकॉज ये सब ऑटोमेटेड हो रहा है, ये सब चीजें ऑटोमेटेड हो रही, कंप्यूटराइज हो रहा है, सब चीजें कंप्यूटराइज हो रही, कोई एक बंदा खरीदी एक्चुअली नहीं कर रहा है, सब चीजें सब कंप्यूटराइज हो रहा है। तो डेडिकेटेड पूल अकाउंट में ये शेयर आया, और तीसरे दिन ये शेयर मेरे ब्रोकर के डेडिकेटेड पूल अकाउंट में आएगा, दूसरे दिन टी प्लस वन में सेलर के डेडिकेटेड पूल अकाउंट में आया ब्रोकर के, और वो ट्रांसफर हुआ तीसरे दिन टी प्लस टू डे में बायर के डेडिकेटेड पूल अकाउंट में, और फिर उसने ब्रोकर को लेके मुझे ट्रांसफर कर दिए शेयर्स तीसरे दिन, समझे।
ऐसा पूरा प्रोसेस होता है ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड, और इनका पूरा चीज 2 दिन में T+2 सेटलमेंट में सेटल हो जाता है सब चीज। आई होप सबको समझ गया डिफरेंस बिटवीन NSE एंड BSE। अमोल जी कुछ है? अमोल जी, जैसे 2 बैंक रहते हैं HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ये जो डिफरेंस है एग्जैक्टली सेम डिफरेंस है NSE एंड BSE में। दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो बोलता है एक मेरा स्टॉक एक्सचेंज, एक मेरा स्टॉक एक्सचेंज। मेरे स्टॉक एक्सचेंज में मैं शेयर्स बाई करूंगा, सेल करूंगा, मैं सर्विसेज दूंगा। BSE का अलग स्टॉक एक्सचेंज है, वो बाई करेगा, सेल करेगा, उनका जो भी जिनको भी BSE पे करना है वो BSE पे करेंगे। समझ गया? क्लियर विद दिस? तो एग्जैक्टली दोनों अलग अलग बॉडीज है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग बिजनेस का जैसा ही उनका काम करेंगे। परफेक्ट। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। BSE का ऑफिस दलाल स्ट्रीट, नाम तो सुना ही होगा। BSE का ऑफिस है दलाल स्ट्रीट, मैं दिखाऊंगा आपको उनकी वेबसाइट कल के इसमें, अभी काफी लेट हो रहा है। तो BSE का ऑफिस है दलाल स्ट्रीट मुंबई, और NSE का ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC, नाम तो सुना ही होगा इसका भी। परफेक्ट। अरे सबको ये प्रोसेस समझ गया? इसको बोलते हैं T+2 सेटलमेंट साइकिल। देखो 3-4 लेक्चर अपने जो स्टार्टिंग में होंगे ये सब टेक्निकल होंगे, क्यों? बिकॉज आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा ब्रोकर के अकाउंट में, दिखाऊंगा ये देखो ये शेयर्स होते हैं, यहाँ पे बाय करना पड़ता है, यहाँ पे सेल करना पड़ता है, मतलब नहीं बनता। आपको पता ही नहीं है बाय करना मतलब 2 दिन बाद क्यों मिल रहा है, तो देखो इतना झंझट मारी उसमें, समझा? तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए, ये नॉलेज का काम है। तो ये सब चीजें आपको पता है, अभी आपको सबको समझ गई है एकदम बढ़िया से। अभी कोई आपको पूछे भाई कि 2 दिन बाद क्यों शेयर आता है, 2 दिन बाद क्यों पैसा मिलता है, आज डीमैट में आ जाएगा बट बैंक में क्यों नहीं आता है, तो आप लोग उसको लॉजिक बताना, आप लोग उसको नॉलेज दें। परफेक्ट। चलो अंडरस्टूड एवरीबॉडी, फटाफट से मुझे कंफर्म कर दो तो फिर हम स्टॉप करें आज के लिए। सबको समझ गया? एकदम बढ़िया से समझ गया, पसंद आया सब चीजें एकदम अच्छे से? बढ़िया 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 बढ़िया, वाह। चलो किसी को कुछ क्वेरीज रहेंगे तो फटाफट पूछ लो 2-5 मिनट में। वंडरफुल डे टू, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। ऐसे ही वंडरफुल जितने भी दिन होंगे 12-15 दिन सब वंडरफुल रहेंगे, और 15 दिन बाद 12 दिन बाद जो भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो एक अनदर लेवल पे रहेगा, ऐसे ज्ञान का सागर बहेगा आपके इसमें। सर व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, बात करेंगे अनिमेश जी इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी बात करेंगे, बहुत टाइम लगेगा उसको, अलग से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है? मुझे अभी तक आईपीओ भी बताना है, आईपीओ में ऐसे काम नहीं होता, आईपीओ में अलग अलग इंस्टीट्यूशन रहते हो, AMC वगैरह रहता है, मैं आपको बताऊंगा आईपीओ में क्या होता है, ठीक है? थोड़ा धीरे 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 जाएंगे, मुझे लगा आज ही आपके दिमाग के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये सब चीजें, एकदम परफेक्ट। चलो चलो गाइस, तो फिर हम आज के लिए यही पे स्टॉप करते हैं, है ना? और कुछ क्वेरीज रहेंगे तो फटाफट बोल दो, मैं 1-2 मिनट के लिए वेट करता हूं। थैंक यू सो मच अमेजी। कल का सेशन किसका मिस हुआ था, उन्होंने देख लिया क्या? दीपा मैडम आपने देख लिया क्या कल का सेशन? आपका मिस हुआ था कल का, वो आपने देख लिया? आपको कुछ क्वेरीज है क्या कल के इसमें, प्लीज बताओगे मुझे, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है वो, आपने देख लिया? शेखर जी थैंक्स अ लॉट। बोलो ना, किसी को कुछ, आपको कुछ क्वेरी है कल के इसमें? किसी को कुछ क्वेरी नहीं? इतने बार शेयर मार्केट का सुना बट कभी ये पता ही नहीं था कि T+2 करके होता है, वाह 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 वाह। तो देखो दूसरे दिन पता लग गया आपको क्लास में, अभी ऐसे ही बहुत सारी नई चीजें पता लगने वाली है, देखो टेंशन मत लो। अविनाश बोल रहे सर इट पॉसिबल टू रिवाइज टूडे सेशन विद इन 2 मिनट? एब्सोल्युटली यस अविनाश, वेरी वेरी गुड। चलो फटाफट से 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं आज के दिन हमने क्या देखा, ठीक है? चलो देख लो, आज अपन ने सबसे पहले देखा था कि सर आईपीओ का बहुत सारा अपन ने ज्ञान देखा। सबसे पहले तो आईपीओ कैसे काम करता है वो अपन ने देखा कि आईपीओ एग्जैक्टली क्या होता है, कंपनी और इसके बीच में रहता है। देन सेकेंडरी मार्केट पे अपन ने देखा कि आईपीओ का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, सही है? प्राइस बैंड का अपन ने देखा, प्राइस बैंड मतलब एक
ऐसा रेंज होता है जो कंपनी को शेयर प्राइस में इशू करना है, उसका अपन ने देखा कि मैक्सिमम गैप 20% का हो सकता है। 20% किसका? एक लोअर प्राइस बैंड का, बेस प्राइस का 20% हो सकता है गैप। ठीक है, सब लोग प्लीज लीव मत करो, एक बार फटाफट से देख लो। ठीक है, रिवाइज कर रहे 2 मिनट में। ठीक है, जिस किसी ने लीव कर दिया उसको मैं मैसेज डाल दूंगा कि आप लोग चाहे तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का देख सकते हो 2-5 मिनट लास्ट के, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अभी उसके बाद में देख लो क्या होता है। हाँ, अपन ने देखा था प्राइस बैंड, उसका मैक्सिमम गैप रह सकता है 20% का। ओके, उसको बोले लोअर प्राइस बैंड, जो 100 रुपए का एग्जांपल लिया था, 120 हो सकता है मैक्सिमम, उसको बोले अपर प्राइस बैंड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये सब चीजें हो गई और कंपनी का जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस में ध्यान में आ गया है कि भाई सबसे कम प्राइस कितना अपन रख सकते हैं, जहां तक अपना जितना पैसा मिलना है उतना पैसा मिल जाएगा, वो प्राइस फाइनल हो जाएगा। उस प्राइस को क्या बोलेंगे, फटाफट मुझे बताओगे, जो प्राइस फाइनल होगा आईपीओ में उस प्राइस को क्या नाम दिया जाएगा? मैंने बोला था, आप लोग फटाफट बोलोगे मुझे। वेरी वेरी गुड, कल्पित जी ने बोला है, सिर्फ बाकी लोग प्लीज आंसर दो ना। वेरी वेरी गुड, कट ऑफ प्राइस बोले, उसको बोले कट ऑफ प्राइस। वेरी गुड, जियो लोगों ने कट ऑफ प्राइस के ऊपर बिडिंग किया था। अब ये प्रोसेस जो होता है ना, इसको बोले एप्लीकेशन देना, मतलब बिड करना, बिड करना। बिडिंग पता है आपको, इसको बोलते हैं बिडिंग करना, बिडिंग। तो जिन लोगों ने बिडिंग किया था 115 के ऊपर अपने एग्जाम्पल में, उन लोगों का पैसा उतना जाएगा नहीं, सिर्फ 115 ही फाइनल प्राइस रहेगा। ठीक है, समझा? परफेक्ट। हाँ, इसके बाद में अपन ने आईपीओ के बाद देखा था कि भाई ये लोग लिस्ट करेंगे एक स्टॉक एक्सचेंज पे। अभी वो चाहेंगे आइदर एनएससी पे करें, बीएससी पे करें, नहीं तो किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे करें। बीच में अनिमेश ने बोला था कि पुणे स्टॉक एक्सचेंज पर आहे ना सर? यस, एब्सोल्युटली होता, बट आता नहीं है। मी सांगेल एक उद्या, मैं आपको बताऊंगा कल के सेशन में, मैं एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पे स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट है। ये देखो नीचे मैंने एक दिया हुआ है, एक्चुअली अपने पीपीटी में ही, बट आज नहीं दिखा पाया, मैं कल दिखाऊंगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में देखो तो काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें इंक्लूड होता है पुणे स्टॉक एक्सचेंज, उनको सबको डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल दिया था सेबी ने। और अभी के दिन पे अगर देखे तो काफी कम स्टॉक एक्सचेंजेस है, सबसे इतने ज्यादा है नहीं अभी। ठीक है, मेजॉरली सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज रखे, बाकी जो छोटे छोटे थे सबको हटा दिया है, सबको डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल दिया गया है सेबी ने। परफेक्ट, ठीक है अनिमेश, क्लियर? पुणे स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, ओके, इट हैज बीन डिसकंटिन्यू। तो अपन ने देखा कि लिस्टिंग करेंगे, और लिस्टिंग के बाद अपन ने देखा कि उसका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो होगा सेकेंडरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है, मैं कल के लेक्चर में बोला था, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकली टेक्निकली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सही है, एक से दूसरे के पास ट्रांसफर जा रहे। फिर अपन ने देखा था कि ये जो आईपीओ में ट्रांजेक्शन हुआ, सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये कैसे काम करता है, इसमें कौन से पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं? तो ये चार पार्टिसिपेंट काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड उसका क्लियरिंग बैंक एंड ब्रोकर। फिर अपन ने पहले देख लिया कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, कहां से क्या मूवमेंट होता है, और देखा कि T+2 सेटलमेंट साइकिल होता है, उसका डिटेल प्रोसेस अपन ने देख लिया कि T+2 माने क्या, तो बीच में छुट्टी आएगा तो उसके वजह से एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा। ये पूरा अपन ने प्रोसेस देखा, बायर ने बाय ऑर्डर किया टी दिन पे, वो गए ट्रेडिंग मेंबर को, मतलब ब्रोकर को, वो ही ट्रांसफर कर देगा स्टॉक एक्सचेंज को। उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ही बोल दिया, डिपॉजिटरी को भी बोल दिया। उसके बाद में सेलर ने जो सेल ऑर्डर किया वो भी ट्रांजेक्शन दिन के दिन उसके ब्रोकर के पास चल गया, उसके ब्रोकर ने भी उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया, उसी ने ट्रांसफर कर दिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी को इन्फॉर्मेशन। ये सब हुआ पहले दिन, जब बायर ने किया पहले दिन ही उसका पैसा चला गया, सेलर ने जो किया पहले दिन ही उसका शेयर चला गया। अभी पैसे का मामला कैसे हुआ, बायर ने जो पैसा पे किया टी दिन पे वो गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर ने उसको ट्रांसफर किया उसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग के बैंक अकाउंट में दूसरे दिन T+1 में, और क्लियरिंग बैंक ने, ब्रोकर के क्लियरिंग बैंक ने बायर के सेलर के क्लियरिंग बैंक को, सेलर के ब्रोकर के क्लियरिंग बैंक को तीसरे दिन पैसा ट्रांसफर किया, और तीसरे दिन ही क्लियरिंग बैंक ने ब्रोकर ने उसको सेलर को पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में सेम चीज हुआ शेयर्स के केस में कि सेलर ने टी दिन के दिन शेयर्स ट्रांसफर कर दिए ब्रोकर को, ब्रोकर ने जो शेयर्स ट्रांसफर किए उसके डेडिकेटेड पूल अकाउंट में, और वो डेडिकेटेड पूल अकाउंट में जाएगा दूसरे दिन। दूसरे दिन जाने के बाद वैसी तीसरे दिन सेलर के डेडिकेटेड पूल अकाउंट में, सेलर के ब्रोकर जो था उसके डेडिकेटेड पूल अकाउंट से तीसरे दिन शेयर जाएंगे बायर के ब्रोकर के डेडिकेटेड पूल अकाउंट में, और उसी दिन बायर को वो शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे। ये अपन ने पूरा प्रोसेस देखा था आज। क्लियर विद दिस? अभी एकदम परफेक्ट आपको सब चीजें फिर से रिवाइज हो गई होगी,
आई होप एवरीबडी इज ऑलमोस्ट क्लियर ऑन एवरी शॉर्ट थिंग जो भी अपन ने किया था, ऑल क्लियर परफेक्ट। चलो वेरी 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 गुड। चलो तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं, अपने इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे बढ़िया से, और भी बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीबडी, ऑल क्लियर, अच्छे से अच्छे से अच्छे से ध्यान रखना इन सब चीजों का। मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा अपने कोर्स कंटेंट सेक्शन में, तो आप लोग एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।